हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। सिंपल चैप्टर है, इजी है, मजा आएगा। चलिए करते हैं। इसमें हम आईसीआई मॉड्यूल में से थियरी, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और आरटीपी नवंबर 20 से लेकर आरटीपी नवंबर 23 तक के भी जो क्वेश्चन है चैप्टर 10 के वो भी डिस्कस करेंगे। आरटीपी नवंबर 20 से लेकर नवंबर 23 तक दो तीन ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो मैं इसी सेशन में कवर अप कर रहा हूँ। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आरटीपी डाउनलोड अगर करनी है कोई भी तो उसकी लिंक मिल जाएगी और टाइम स्टैम्प भी दे रखा है, तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो भी आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मई 23 में इसमें से 5 मार्क्स की थियरी पूछी गई थी, तो इस बार चांसेस है कि 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाए। नॉट कंपल्सरी आएगा ही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट हो सकता है कि आने का चांसेस रहेंगे। चलिए, प्रोसेस कॉस्टिंग का अगर मीनिंग समझे, राइट, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें एक के बाद एक अलग अलग प्रोसेसेस रहती है। एक प्रोसेस में से जो यूनिट मिलते हैं, जो फिनिश्ड जो भी स्टॉक रहता है वो मिलता है, वो दूसरी प्रोसेस में इनपुट बनकर जाता है, फिर वो तीसरी प्रोसेस और नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है। वो सारी प्रोसेसेस में से पास होंगे तब जो वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी हर प्रोसेस है वो इटसेल्फ यूनिट बनेगी, उसका हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि प्रोसेस वन है, प्रोसेस एक्स है, उसका कितना कॉस्ट हुआ वो हम चेक करेंगे, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाया जाएगा। जो भी गुड्स को बनने में बहुत सारी प्रोसेस में से पास होना होता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द आइडियल मेथड फॉर दैट। चलिए, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, राइट। It is defined as a method of cost accounting whereby costs are charged to process or operations and averaged over units produced. उसमें जो भी प्रोसेस है उनका जो भी कॉस्ट हुआ है उनको जो भी एवरेज यूनिट्स भी टोटल यूनिट्स मिले हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा यूनिट वाइज। A separate account for each process is opened and all expenditure pertaining to a process is charged to that process account. सारे प्रोसेस का खुद का अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें जो भी एक्सपेंस वगैरह हुए हैं वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। सच टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक स्टील, पेपर, मेडिसिन, सॉप्स, केमिकल्स, रबर, वेजिटेबल ऑयल, पेंट्स, वर्निस एटसेट्रा, वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड द आउटपुट इज वन प्रोसेस, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टिल कंप्लीशन। यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए वो सारी जगह पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो सकता है। प्रोसेस कॉस्टिंग है मतलब उसमें एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा टिल द कंप्लीशन, राइट। जब हमें फाइनल फिनिश गुड्स मिल जाएगा जो सेल कर सकते हैं, तब तक वो जो एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस का इनपुट बनेगा, राइट। ये आपको थियरी में भी पूछ सकते हैं। चलिए, इसके लिए एक डायग्राम जैसा दिया है कि रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस वन में हम ऐड करते हैं तो उनका इनपुट बनता है रॉ मटेरियल, फिर प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू का इनपुट बनता है, फिर प्रोसेस थ्री और जो भी जितनी भी प्रोसेसेस हो वो सारी होती है और उसमें से जो लास्ट में मिलता है वो होगा फिनिश गुड्स। उनके बेसिक फीचर्स है, ये फीचर्स भी समझने के लिए और थियरी में पूछने का चांसेस है। ईच प्लांट और फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेस cost centers or departments and each subdivision is a stage of production or a process. Manufacturing activity is carried on continuously by means of one or more process runs sequentially, selectively or simultaneously. उसमें जो भी activities, processes वगैरह रही वो एक साथ हो सकती है, एक के बाद एक हो सकती है, या उसमें से जो necessary है वो selectively भी choose हो सकती है. The output of one process becomes the input of another process. The end product usually is of like units not distinguishable from one another. वो सारे ही जो भी units हमें final मिलेंगे वो identical होंगे, वो सभी लोग सभी के characteristics, सभी का nature सब कुछ same रहेगा, तो उसे हम differentiate नहीं कर पाएंगे। It is not possible to trace the identity of any particular lot of output to any lot of input material. कौन से input में से कौन सा output मिला वो सारी चीजें देखना समझना काफी difficult हो सकता है। For example, in the sugar industry, it is impossible to trace any lot of sugar bags to a particular lot of sugar cane fed or vice versa, right? Production of a product may give rise to joint or end or byproduct. In some joint या फिर byproduct भी मिल सकती है। Joint product और byproduct का costing कैसे करेंगे वो chapter 11 में cover up होता है, वो देखेंगे उसमें।
चलिए यहाँ पर कॉस्टिंग प्रोसीजर इन प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें हम अलग अलग कॉस्ट जो भी हमें मिले होंगे वो हमें कलेक्ट करना होगा और हमें वो रिकॉर्ड करना रहेगा, वो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, वो सारी चीजें ही रहेगी जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उनके सारे चैप्टर्स देखे हुए हैं। चलिए फिर इलस्ट्रेशन वन दिया हुआ है वो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट। The total units that pass through each process were 240 for that period. हमें process accounts बनाने हैं और जो भी हर process में से 240 units है वो pass on हो रहे हैं अभी। Process 1, 2 and 3 उनके हमें expense के बारे में details दी है। Material cost है 150, 50 and 20. Labor है 80, 2 lakhs and 60,000. Other expense 26, 72 and 25,000. Indirect expense amounting to rupees 85,000 may be apportioned on the basis of wages. जो wages है उनके basis पर हमें उन्हें अपोर्शन करना है जो 85,000 है। तो यहाँ पर जो वेजेस का टोटल करेंगे हम, राइट, और उसके बेसिस पर जो आएगा 2 lakhs plus 80,000 प्लस 60,000 दैट इज 3,40,000। तो 85,000 डिवाइड बाय 3,40,000 करके हम परसेंटेज के बेसिस पर कर सकते हैं, या फिर ये जो 85,000 है उनको हम 8:20:6 के प्रोपोर्शन में भी बाइफरकेट कर सकते हैं। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल है। यहाँ पर प्रोसेस वन अकाउंट बनाया है जिसमें पर्टिकुलर्स, यहाँ पर यूनिट दिया है, बट जनरली आपको पर यूनिट की कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होगी, वहां पर जनरली यूनिट्स आएंगे। जो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है इसलिए इसमें पर यूनिट बनाए हैं, और वैसे भी यहाँ पर यूनिट्स के बारे में कुछ खास डिटेल्स नहीं दी है, 240 ही है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी जनरली जो भी प्रोसेस अकाउंट्स बनेंगे उसमें यूनिट्स और अमाउंट की कॉलम रहेगी, और यहाँ पर टोटल अमाउंट है, राइट, डेबिट एंड क्रेडिट। मटेरियल कॉस्ट है, राइट, तो सिक्स टोटल 1,50,000 था, डिवाइड बाय 240 किया तो 625, लेबर था 80,000, उसको भी पर यूनिट में उन्होंने कन्वर्ट किया। अदर एक्सपेंस है, राइट, फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000, जिस तरह से मैंने आपको दो ऑप्शन बताए, दो मेथड से आप कर सकते हैं, और फिर जो बाकी का रहेगा वो सारा ही प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो हम क्रेडिट साइड पर लिखें। फिर प्रोसेस टू है तो उसमें ये जो प्रोसेस वन में से जो ट्रांसफर किया वो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे इस तरह से, प्रोसेस वन, राइट, फिर इसमें भी मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, और फिर वो जो भी बचेगा वो प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर करेंगे। फिर प्रोसेस थ्री अकाउंट में यहाँ पर जो प्रोसेस टू का बनाया है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, बाकी मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर जो मिलेगा वो होगा फिनिश्ड स्टॉक, सिंपल। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस तरह से एलोकेट किए वो भी दिया हुआ है 340, और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इस तरह से बाइफरकेट किया हुआ है, राइट, वो सीधा ही हम 8:20:6 के प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, राइट, अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज थियरी में भी पूछ सकते हैं। चलिए नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आपने फाउंडेशन वगैरह में पढ़ा तो होगा ही, राइट, कंसाइनमेंट वगैरह में भी आता था। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है कि जो नॉर्मल लॉस है वो नेचर ही प्रोडक्ट का, मटेरियल का ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा तो लॉस होने ही वाला है, जो अनअवॉइडेबल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे है कि वो लॉस हो गई चाहे कुछ भी कर ले, राइट, तो वो लॉस नॉर्मल है, तो उसे जो गुड यूनिट्स है उनको ये बेयर करना रहता है, राइट, वो एक्सपेक्टेड है, वो हो गए, राइट। एबनॉर्मल लॉस है वो कोई ऐसे रीजन से है जो शायद अगर प्रॉपरली प्लान किया होता, प्रॉपरली केयर किया होता तो शायद बच सकता था, वो थेफ्ट हो सकता है, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन से वो खराब हो सकता है, तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा। जो नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो वो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। एबनॉर्मल गेन जो हमने नॉर्मल लॉस अज्यूम किया है कि चलो ये 2-5% तो बिगड़ने ही वाला है, खराबी होने वाला है, बट उनसे अगर हमारा नॉर्मल लॉस है वो कम हुआ, एक्चुअल में हमें ज्यादा आउटपुट मिला, तो उसे एबनॉर्मल गेन कहा जाएगा। चलिए वो देखते हैं, उसका मीनिंग वगैरह समझेंगे और उसके एग्जांपल ट्रीटमेंट भी देखेंगे। नॉर्मल लॉस, इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल वेस्टेज, इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल व्हिच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क। ये इनहेरेंट है, चाहे कुछ भी कर ले होने ही वाला है। सच अ लॉस कैन बी रीजनेबली एंटिसिपेटेड फ्रॉम द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ ऑपरेशन, द एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल डेटा। इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल और द प्रोसेस। It also includes units withdrawn from the process for test, for sampling. Even इसमें वो भी चीज आएगी, अगर हम टेस्टिंग के लिए या सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैंपल्स के लिए दे रहे हैं किसी को भी, तो भी वो सारी चीजें नॉर्मल लॉस माना जाएगा, क्योंकि इसमें से जनरली आपको कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होने वाली है, राइट। चलिए
treatment in cost accounts, the cost of normal process loss is in practice is absorbed by good units produced under the process. The amount realized by the sale of normal process loss units should be credited to the process account. जो normal loss होगा वो good units को bear करना रहेगा. अगर उसमें से कुछ भी वो normal loss है, वो किसी को हम बेच रहे हैं और उसमें से कुछ भी हम as a scrap बेच रहे हैं और उसमें से कुछ भी amount realized होती है, तो वो हम credit कर देंगे, उतना expense हमारा कम हो जाएगा. तो जो good units है उनको जो bear करना होगा वो per unit cost कम हो जाएगा. चलिए उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस विथ नो रियलाइजेबल वैल्यू. ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से पूछ सकते हैं. अ प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू. मटेरियल इश्यूड टू प्रोसेस वन अमाउंटेड टू रुपीज 40,000, वेजेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वर रुपीज 27,000. नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वॉज 5% ऑफ इनपुट. 4750 units of output were produced and transferred out from process 1. There was no opening stocks. Input raw material issued to process 1 were 5000 units. Scrap has no realizable value. 5000 units हमने input किए थे, right? और उसमें 5% normal loss होने के chances है, तो 5000 के 5% करेंगे तो 250 आएगा. तो 5000 में से 250 minus करेंगे तो 4750 output मिलना चाहिए, right? तो वो same हमें मिल रहा है. मतलब कि 4750 का आउटपुट मिला और 250 का नॉर्मल लॉस. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस वन अकाउंट वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू. यहाँ पर प्रोसेस वन अकाउंट बनाया है, इसमें यूनिट्स और रुपीस की कॉलम. अब सारे जो प्रोसेस अकाउंट रहेंगे उसमें इसी तरह से बनाना होगा. चलिए उसमें मटेरियल का कॉस्ट 5000 यूनिट्स थे और 40,000 रुपीस, वेजेस 30,000, ओवरहेड्स 27,000. वेजेस और ओवरहेड्स उसमें यूनिट्स नहीं होते, रॉ मटेरियल के ही यूनिट्स होते हैं, वहीं पर आपको लिखना रहेगा. चलिए फिर नॉर्मल लॉस है वो 250, राइट, और इसमें से कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है इसलिए जीरो अमाउंट. और बाय प्रोसेस टू है वो कितना हो जाएगा 4750, 5000 माइनस 250 करेंगे, राइट, तो 4750 होगा. और यहां पर अभी कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं हो रही है इसलिए इन इस जो डेबिट साइड का टोटल है वही यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे इन द नेक्स्ट प्रोसेस, राइट. बट उसके लिए फॉर्मूला भी है, देखिए टोटल कॉस्ट मतलब कि 97,000 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. अगर उसमें से कुछ भी रियलाइज हो रहा है तो उतना हमें रिड्यूस करना होगा. डिवाइड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स, राइट, जितना हमने यहाँ पर 5000, राइट, और माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, दैट इज यहाँ पर 250 यूनिट्स. तो यहाँ पर 97,000 माइनस जीरो अपॉन 5000 यूनिट्स इंटू 250, 5000 यूनिट्स माइनस 250 यूनिट्स करना होगा. उससे जो अमाउंट मिलेगी वो हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी, वो हम जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे वो पर यूनिट कॉस्ट उस पे कंसिडर किया जाएगा. और उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी यूनिट्स हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं. यहाँ पर 4750 यूनिट्स है तो यहाँ पर हो जाएगा 97,000. मतलब 97,000 एक्चुअल में हमने पे किए थे 5000 यूनिट्स के लिए, बट 250 यूनिट्स तो नॉर्मल लॉस हो रहा है तो अब वो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गया है, राइट. वो 4750 यूनिट्स के लिए 97,000 रुपीस का कॉस्ट हो गया. तो ये जो 250 नॉर्मल लॉस हुआ उनके लिए भी जो हमने कॉस्ट इनकर किया था वो बाकी के जो 4750 यूनिट्स है उनको बेयर करना रहेगा. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इवन हम एबनॉर्मल लॉस वगैरह करेंगे तो भी ये फॉर्मूला आएगी. चलिए फिर उसका दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है, उसमें भी सेम जो सारी डिटेल्स एग्जांपल वन में थी वही है, सिर्फ एक लाइन चेंज हो गई है. स्क्रैप हैज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट. हमने जो एग्जांपल वन देखा उसमें स्क्रैप वैल्यू 0 थी, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू रुपीज 2 पर यूनिट हमें मिल रही है. रियलाइजेबल वैल्यू है वो रुपीज 2 पर यूनिट है तो उतना हमें क्रेडिट करना होगा. चलो मतलब यहाँ पर डेबिट साइड पूरी एज इट इज रहेगी, क्रेडिट साइड पर नॉर्मल लॉस 250 और 500 रुपीज हमें रियलाइज हो रहे हैं तो वो हम क्रेडिट करेंगे. अब हमारा जो कॉस्ट होगा जो हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में उसमें चेंज हो जाएगा. देखिए यहाँ पर जो हमारी फॉर्मूला थी उसी में अगर हम सारी डिटेल्स पुट करें तो टोटल कॉस्ट है वो 97,000 था, राइट, बट उस वजह से 500 रुपीज हम माइनस करेंगे क्योंकि उतना हमें रियलाइज हुआ है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. और यहाँ पर तो 5000 माइनस 250 यूनिट्स है, राइट, इनटू 4750 यूनिट्स करेंगे तो 96,500. अब हमें 500 रुपीज रियलाइज हो गए तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है जो 4750 यूनिट्स का कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 500 रुपीज से कम हो जाएगा, राइट, इसीलिए यहाँ पर 96,500 आएगा. सिंपल. चल ये नॉर्मल लॉस था, अब एबनॉर्मल लॉस देखते हैं. It is known as abnormal wastage. It is defined as the loss in excess in the predetermined loss, that is normal process loss.
दिस टाइप ऑफ लॉस में अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स, अ बैड प्लान डिजाइन और ऑपरेशन, सबोटेज एटसेट्रा, राइट। वो कोई और रीजन से हो सकता है, नॉर्मल लॉस जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उनसे ज्यादा जो भी लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस कहा जाएगा। सच अ लॉस कैन नॉट ऑब्वियसली बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, बट इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स। ये पहले से हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ ये लॉस होने वाला है, बट हाँ अगर अच्छे से उसके लिए मेजर्स लेंगे, केयर करेंगे, तो वो लॉस हम कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, द कॉस्ट ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। उनकी जो गुड यूनिट्स के जितना कॉस्ट है उतना ही एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा और उतना ही हमें क्रेडिट करना है, वो गुड यूनिट्स बेयर नहीं करेंगे, उतना लॉस हमें कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करना रहेगा। The total cost of abnormal process loss is credited to the process account from which it arises. Cost of abnormal process loss is not treated as a part of the cost of the product. In fact, the total cost of abnormal process loss is debited to the costing P&L account. Normal loss था तो वो तो bear कर रहे थे good units, क्योंकि उतना हम जितना normal loss, जैसे कि ऊपर के example में था 250 units, तो 250 units की जो cost थी, जो loss था, वो हमने वहाँ पर zero, credit हमने zero कर दिया। That means कि जो भी cost रहा ना, वो सब कुछ good units को bear करना पड़ा। अब हम abnormal loss के case में ऐसा करेंगे कि उतनी जो उनका जो cost है, उतना जितना loss हुआ है abnormal loss का, जो amount wise हुआ है, वो हम यहाँ पर process account में credit करेंगे, ताकि उतना जो per unit cost है वो कम हो जाएगा, जो transfer करेंगे next process में उसका cost उतना कम हो जाएगा, और वो जो abnormal loss है वो costing P&L में debit हो जाएगा, right? यहाँ पर एग्जाम्पल थ्री दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है, जो हमने एग्जाम्पल वन या टू देखे हैं, एग्जाम्पल टू के हिसाब से एग्जाम्पल टू में जो स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी वो यहाँ पर कंसिडर की है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज चेंज हुई है, 4550 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस वन, जबकि हमारे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में था 4750 यूनिट्स, राइट। तो जितना नॉर्मल लॉस हो रहा था उससे ज्यादा कोई भी लॉस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर ज्यादा लॉस हो रहा है। 250 यूनिट्स तो हमारे नॉर्मल लॉस होंगे, राइट। तो 5000 में से अगर 250 यूनिट्स माइनस करेंगे तो 4750 होगा, बट एक्चुअल आउटपुट कितना मिल रहा है, 4550। तो 4750 और 4550 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा, दैट इज 200 यूनिट्स हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। चलिए, प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट साइड एज इट इज रहेगी, नॉर्मल लॉस है तो उसमें 250 यूनिट्स और 500 रुपीस जो रियलाइज हो रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस में 200 और प्रोसेस टू में 4550 यूनिट्स रहेंगे। ये यूनिट्स का समझ में आ गया होगा। अब हम अमाउंट का देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला थी वही कंसिडर करनी है, 97,000 टोटल कॉस्ट माइनस रुपीज 500 जो नॉर्मल लॉस के रियलाइज हुए, डिवाइड बाई 5,000 यूनिट्स माइनस 250 यूनिट्स जो हमारे नॉर्मल लॉस के थे, तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। अब हमें उसे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और जो आउटपुट हम ट्रांसफर कर रहे हैं इन प्रोसेस टू, उन दोनों यूनिट्स के साथ हमें अलग अलग से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और जो प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया है, तो उन्हें 200 यूनिट्स जो एबनॉर्मल लॉस के थे उनसे मल्टीप्लाई किया, तो 4063 रुपीस एबनॉर्मल लॉस के बने, राइट। 5000 में से जो 200 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस जो हमने एज्यूम किया था, जो अनअवॉइडेबल था, उनसे ज्यादा लॉस हुआ है वो है, तो वो प्रोसेस अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे और कॉस्टिंग पीएनएल में हम डेबिट करेंगे, या फिर एबनॉर्मल लॉस का अलग से अकाउंट बनाएंगे, पहले उसमें डेबिट करेंगे और फिर उसमें से कॉस्टिंग पीएनएल में हम चार्ज करेंगे। और जो प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहां पर होगा, तो ये सेम फॉर्मूला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4550 यूनिट्स के साथ, तो हमें प्रोसेस टू का जो ट्रांसफर करने वाले हैं वो अमाउंट मिल जाएगी। इन दोनों को हमें क्रेडिट करना होगा, यहाँ पर किया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस के सामने 200 यूनिट्स के सामने 4063 रुपीस और प्रोसेस टू के सामने 4550 यूनिट्स के सामने 92437 रुपीस, राइट। इस तरह से कैलकुलेट किया, राइट। तो ये क्या हुआ कि जो 200 यूनिट्स का जो एक्सपेंस है वो ये 4550 यूनिट्स नहीं बेयर कर रहे, हाँ ये 250 यूनिट्स है, ये दोनों ही एबनॉर्मल लॉस एज वेल एज प्रोसेस टू में जो हम ट्रांसफर करें उन दोनों को बेयर करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 500 रुपीज जो रियलाइज हुए उतने ही माइनस किए, बाकी के ज्यादा अमाउंट हमने माइनस नहीं की है, समझ में आ रहा है ना, राइट। तो नॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, जबकि एबनॉर्मल लॉस है उसे हम अलग से चार्ज करेंगे और वो कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट होगा। चलिए, अब एबनॉर्मल प्रोसेस गेन या फिर यील्ड समझते हैं। Sometimes loss under process is less than the anticipated normal figure. जितना हमने normal loss assume किया, expect कर रहे हैं, उनसे कम loss होता है.
In other words, the actual production exceeds the expected figures, right? Under such a situation, the difference between actual and expected loss or actual and expected production is known as abnormal gain or yield. So abnormal gain may be defined as unexpected gain in production under the normal conditions. This arises due to overestimation of process loss, improvements in work efficiency of workers, use of better technology in production, etc. Right? Abnormal gain होने के chances, reasons ऐसा हो सकता है कि हमने process loss ज्यादा assume कर लिया या फिर efficiently work करे, अच्छी technology use करे, उस वजह से हो सकता है. Treatment in cost accounts. The process accounts under which abnormal gain arises is debited with abnormal gain and credited to abnormal gain account, which will be closed by transferring to costing P&L account. Abnormal gain है वो हमारे process account में debit side पर आएगा, right? और वो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होगा और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे और एट द एंड वो एबनॉर्मल गेन में से जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, वो क्रेडिट किया जाएगा. द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन. जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम एबनॉर्मल गेन का भी कैलकुलेट करें. एग्जाम्पल 4, उसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है, 4850 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस वर्क. जो हमारा एग्जाम्पल 1 या 2 था जिसमें हमने 4750 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे प्रोसेस 2 में, एग्जाम्पल 3 में हमने 4550 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे और इसमें 4850 यूनिट्स, मतलब कि 4750 हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था कि 250 यूनिट्स तो नॉर्मल लॉस होंगे, बट यहाँ पर एक्चुअल में नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 150 यूनिट्स. हम 100 यूनिट्स जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे हमें ज्यादा मिल रहा है, तो वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, राइट. चलिए इसका प्रोसेस अकाउंट देखते हैं. इसमें डेबिट साइड पर मटीरियल लेबर ओवरहेड्स तो एज इट इज रहेगा, नॉर्मल लॉस 250 और 500 एज इट इज रहेगा, राइट. अब हमारा जो बाय प्रोसेस 2 है वो 4850 यूनिट्स हो जाएगा. अब यहां पर देखिए, हमारा नॉर्मल लॉस हम 250 अज्यूम कर रहे थे, 5000 हमने आउटपुट डाला था और यहां पर 4850 हमें मिले हैं, तो अब क्या हुआ कि यहां पर जो टोटल है वो 5100 हो गया, तो यहां पर 100 रुपीज हमें रिकॉर्ड करने होंगे जो होगा एबनॉर्मल गेन. अब इन दोनों की हमें वैल्यू कंसिडर करनी होगी, तो इन दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम फॉर्मूला हमें यूज करनी है, जो टोटल कॉस्ट 97,000 माइनस 500 रुपीज अपॉन 5,000 यूनिट्स माइनस 250 यूनिट्स, राइट. उसे हमें एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करना है तो 100 यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2032 रुपीज यहाँ पर हो जाएगा, राइट. और यहाँ पर अगर ट्रांसफर करना है जो प्रोसेस 2 में, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो 4850 यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 98,530. समझ में आ रहा है ना. अब यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे तो ये नॉर्मल लॉस 250 यूनिट्स नहीं हुआ है, सिर्फ 150 यूनिट्स हुआ है एक्चुअल में जो लॉस हुआ है, बट हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं कि 250 तो होने ही वाला था, उसमें से 500 रुपीज रियलाइज भी होने वाले हैं, बट वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, राइट. एक्चुअल में क्या हुआ, 100 रुपीज का एबनॉर्मल गेन हुआ, तो वो एबनॉर्मल गेन है, वो इस प्रोसेस से बेनिफिशियल वो शायद हर बार ना भी हो, राइट. तो इस वजह से उसे कॉस्टिंग पीएनएल में कंसिडर करना पड़ेगा, राइट. चलिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाया है. यहाँ पर जो हमने प्रोसेस वन अकाउंट में जो यहाँ पर डेबिट किया है एबनॉर्मल गेन अकाउंट को, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा प्रोसेस वन 100,2032 और उसे हमें नॉर्मल लॉस जो था, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमने 250 अज्यूम किया है, बट एक्चुअल में अगर 250 यूनिट्स की जगह पर 150 तो हुए हैं, राइट, बट 100 यूनिट्स नहीं हुए हैं, तो 100 यूनिट्स का अगर नॉर्मल लॉस भी होता ना तो हमें उसके 100 रुपीज इंटू 2 रुपीज, मतलब कि 200 रुपीज तो मिलने ही वाले थे, राइट. अगर वो लॉस हो जाते हैं 100 यूनिट्स तो भी हमें 200 रुपीज तो मिलने ही वाले थे, तो हमारा यहाँ पर कॉस्टिंग में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम नॉर्मल लॉस अकाउंट का लिखेंगे 100 यूनिट्स इंटू 200 रुपीज, राइट. और फिर ये 2032 माइनस 200, तो जो नेट बचेगा 1832 वो हमारा नेट एबनॉर्मल गेन होगा, क्योंकि बाकी भी अगर लॉस हो जाते ना वो 100 यूनिट्स तो भी हमें 200 रुपीस मिलने ही वाले थे, तो 2032 रुपीस में से उतने हम 200 रुपीस माइनस करके ही दिखाएंगे, राइट. तो यहाँ पर हो जाएगा 1832 रुपीस, क्लियर. वो हम कॉस्टिंग पैनल में क्रेडिट करें. ये एबनॉर्मल गेन वाला क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर टू एग्जाम्पल 4 पूछा भी हुआ है 5 मार्क्स में, राइट. तो ऐसे भी यहाँ पर एग्जाम्पल में से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इवन नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में थियरी क्वेश्चन पूछा था मई 23 में ही पूछा हुआ है, राइट. तो ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो है उसमें से भी थियरी पूछ सकते हैं, जो आपको इजी पड़ेगा लिखने में भी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल तो अच्छे से किया ही होगा, तो आप लिख सकते हैं. चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 10.11 पर दिया हुआ है, वो देखते हैं.
a product passes through three processes. The output of each process is treated as the raw material of the next process, to which it is transferred, and output of the third process is transferred to finished stock. Process 1, 2 and 3, material issued 40, 20 and 10,000, labor 6, 4 and 1,000 rupees, manufacturing overhead 10, 15,000 rupees. 10,000 units have been issued to process 1, and after processing, the output of each process is as under. 10,000 units है वो process 1 में as a raw material, as a input introduce किये गए थे. अब process का output कितना मिला है वो देखते हैं. Output and normal loss. Process 1 का output है 9750 units और 2% है वो हमारा normal loss है. तो यहाँ पर 10,000 units जो हमने introduce किये थे उसके 2% right? तो 10,000 के 2% 200 units होते हैं. वो normal loss है. But actual में मिला है हमें 9750 units, right? प्रोसेस टू में 9400 यूनिट्स आउटपुट मिला है. अब प्रोसेस वन का जो आउटपुट है ना वे प्रोसेस टू का इनपुट बन जाएगा. तो 9750 है वो प्रोसेस टू में हमने ट्रांसफर किया. उसका 5% नॉर्मल लॉस है और एक्चुअल में हमें मिले हैं 9400 यूनिट्स, राइट. फिर ये 9400 यूनिट्स है वो प्रोसेस थ्री का इनपुट बन जाएगा. उसमें से 8000 यूनिट्स मिले हैं और ये 10% है वो 9400 यूनिट्स पर हमें कंसिडर करना रहेगा फॉर नॉर्मल लॉस. No stock of material or work in process was left at the end. Calculate the cost of finished articles. Right. हमें finished article का cost calculate करना है. तो better idea वही रहेगा कि आप process accounts बना लेंगे तीनों का ही. तो हमें finished stock का कितना cost है वो मिल जाएगा. चलिए process one account देखते हैं. उसमें material है 10,000 units हमने introduce किया था. उसका cost है 40,000, labor 6,000, manufacturing overhead 10,000. ये सब कुछ दिया हुआ है question में. फिर normal loss है वो 2% हमें बोला गया है. तो 10,000 के 2% करेंगे तो 200 units. यहाँ पर हमें scrap value, realizable value के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. अब हमारा जो प्रोसेस टू का जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, मतलब प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो कितना है 9750 यूनिट्स. तो वो लिखेंगे 9750. यहाँ पर टोटल होता है 10,000. तो 10,000 में 9750 और 200 माइनस करेंगे तो 50 यूनिट्स बचेंगे जो हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, राइट. अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये एबनॉर्मल लॉस और ट्रांसफर किया जो है प्रोसेस टू में उन दोनों की अमाउंट कैलकुलेट करनी है. तो हम कैसे करेंगे, ये जो 56,000 रुपीस है, राइट, उसमें से नॉर्मल लॉस में से अगर कुछ रियलाइज हुआ होता तो वो माइनस करेंगे. यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है तो 56,000 डिवाइड करेंगे 10,000 माइनस 200, दैट इज 9800 से हम डिवाइड करेंगे. यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखी है, मतलब उसका वर्किंग नोट भी दे रखा है. तो मिलेगा 5.7142 पर यूनिट. तो यहाँ पर जो 50 यूनिट्स है उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.7142 को, और यहाँ पर 9750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो 286 एंड 55714 मिला. ये 55714 है वो हमारे प्रोसेस वन प्रोसेस टू का इनपुट बन जाएगा, राइट. प्रोसेस वन अकाउंट में से ट्रांसफर किया 9750 55714, और यहाँ पर मटेरियल जो है उसका हमें यूनिट्स नहीं दे रखा है, राइट. सिर्फ हमें यहाँ पर ये दिया था कि 10,000 यूनिट्स है वो प्रोसेस वन में इंट्रोड्यूस करते हैं. ये 20,000 रुपीस के सामने कितना यूनिट्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो हमें नहीं दिया है. तो उसके लिए हमें यूनिट्स है वो जीरो ही रखेंगे. चलिए तो 20,000 रुपीस, फिर लेबर है 4,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से 10,000 रुपीस. नॉर्मल लॉस जो हमें बोला था वो 5% बोला था, वो 9750 के 5% होंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं इन प्रोसेस टू वो 9750 यूनिट्स हैं. तो उसके 5% करने हैं, 10,000 के नहीं करने हैं, गलती मत करना. चलिए यहाँ पर हो जाएंगे 488 यूनिट्स, राइट. तो हमारे थे 9750 यूनिट्स, राइट, और यहाँ पर हो गए 488 यूनिट्स, और हमें आउटपुट भी दिया हुआ है 9400 यूनिट्स. तो वो 9400 यूनिट्स हम प्रोसेस थ्री अकाउंट के लिए लिख देंगे. तो 9400 और 488 का टोटल हो जाता है 9888, और 9888 और यहाँ पर है 9750 यूनिट्स. तो उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, दैट इज एबनॉर्मल गेन, राइट, 138 रुपीस. अब हमें यहाँ पर एबनॉर्मल गेन की अमाउंट और प्रोसेस थ्री में जो ट्रांसफर करते हैं उनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है. तो अगेन 9105 नहीं होगा, यहाँ पर जो तीनों इतना कॉस्ट है उनका टोटल करेंगे. ये अमाउंट तो हमें बाद में मिलेगी. तो जो प्रोसेस वन और मटेरियल लेबर ओवरहेड है उन तीनों की अमाउंट है उनका टोटल करेंगे. यहाँ पर रियलाइज तो कुछ भी नहीं हुआ है तो उसको डिवाइड करेंगे ये 97
9750 जो हमारा टोटल इनपुट था उसमें से 488 को माइनस करेंगे इस तरह से, तो हमें मिलेगा रुपीज 9.6862 पर यूनिट। तो 9.6862 से 9400 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 138 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अकाउंट बंद हो जाए। फिर प्रोसेस थ्री अकाउंट है, यहाँ पर जो प्रोसेस टू का आउटपुट था वो हमारा प्रोसेस थ्री का इनपुट बनेगा। प्रोसेस टू अकाउंट 9400 9105। फिर मटेरियल लेबर और ओवरहेड हमें दिया था वो हमने लिख दिया। नॉर्मल लॉस हमें बोला है 10%, तो 10% इस 9400 यूनिट्स का होगा, दैट इज 940 यूनिट्स, राइट। और हमें आउटपुट दिया था कि वो 8000 यूनिट्स है, तो यहाँ पर 9400 में से 8000 और 940 माइनस करेंगे तो बचेगा 460 और वो एबनॉर्मल लॉस होगा, राइट। फिर अगेन वही 117051 यहाँ पर जो डेबिट का टोटल है, डिवाइड करेंगे 9400 यूनिट्स जो टोटल इनपुट है माइनस नॉर्मल लॉस 940 यूनिट्स, दैट इज हो जाएगा 13.8358 पर यूनिट। उसे हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और जो हमारा फिनिश स्टॉक है उनके यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों की अमाउंट मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 110,687 हमारा फिनिश्ड स्टॉक का हमारा कॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पर आंसर खत्म हो जाएगा, सिंपल। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। चलिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इलस्ट्रेशन थ्री देखते हैं। RST Limited process product Z through two distinct process, process 1 and process 2. On completion, it is transferred to finished stock. From the following information for the current year, prepare process 1, 2 and finished stock account. यहाँ पर दो process है और उसके बाद finished stock में transfer किया जाता है. Process 1 and 2. Raw material used 7500 units. वो process 1 में ही introduce करेंगे और process 1 का जो output होगा वो process 2 में जाएगा. यहाँ पर जीरो दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर रुपीज 60 है, यहाँ पर तो कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और फिनिश स्टॉक, प्रोसेस वन में से प्रोसेस टू में कितना ट्रांसफर करेंगे 7050 यूनिट्स और प्रोसेस टू में से फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर करेंगे 6525 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट 5% और यहाँ पर है 10%, मतलब यहाँ पर हमें 7500 का 5% करना है और यहाँ पर 7050 का 10% करना है। डायरेक्ट वेजेस दिए दोनों के 135750 और 129250। डायरेक्ट एक्सपेंस दिए 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पर 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब यहाँ का 60% और यहाँ का 65%। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट, और यहाँ पर है 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट रुपीज 12.5 एंड रुपीज 37.5, राइट। तो जो हमारा नॉर्मल लॉस वगैरह मिलेगा या फिर एबनॉर्मल लॉस वगैरह होगा तो उसमें से भी हमें कितना मिलने वाला है यहाँ पर 12.5 प्रोसेस वन में का और प्रोसेस टू में 37.5। 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, अज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग, राइट। प्रोसेस वन अकाउंट बनाया है सबसे पहले, उसमें भी यूनिट्स रुपीज, रॉ मटेरियल यूज्ड जो हमें यहाँ पर दिया था 7500 यूनिट्स इंटू रुपीज 60 करेंगे तो 7500 इंटू 60 करेंगे तो 450,000। फिर हमें डायरेक्ट वेजेस दिए थे 135750। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पर दिया था कि 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर 135750 है उनका 60% 81450। और फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उसके लिए हमें बोला था कि 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये जो 137570 है उनका 20% 27150। फिर हमें नॉर्मल लॉस जो बताया था वो था 5%, तो 7500 का 5% हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा 375 यूनिट्स। और हमें बताया है कि 12.5 रुपीस रियलाइज होंगे तो 375 इंटू 12.5 करेंगे तो 4688 अमाउंट हमें रियलाइज हो रही है। और हम प्रोसेस टू में कितना ट्रांसफर करने वाले हैं 7050 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पर प्रोसेस टू में ट्रांसफर करेंगे 7050 यूनिट्स। अब हमारा इनपुट था 7500, नॉर्मल लॉस हुआ 375, उसको माइनस करेंगे और 7050 आउटपुट है उनको माइनस करेंगे तो हमारा जो नेट फिगर आएगा 75 जो हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, राइट। अब हमें ये एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर किया उन दोनों की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल। ये 694350 जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 4688 जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है वो हम माइनस करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे ये 7500 यूनिट्स माइनस 375 नॉर्मल लॉस के यूनिट्स,
तो 689 662 डिवाइड बाय 7125 यूनिट्स, तो 96.7947 रुपीस पर यूनिट हो जाएगा। उसे हमें एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर किए हैं वो यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये दोनों अमाउंट हमें मिल जाएंगे, राइट। तो ये 682403 है वो प्रोसेस टू का इनपुट बन जाएगा। चलिए, प्रोसेस टू अकाउंट प्रोसेस वन अकाउंट में से 7050 यूनिट्स और 682403 हमारी अमाउंट ट्रांसफर हुई है। यहाँ पर कोई मटेरियल एड नहीं कर रहे और वेजेस से वो 129250 दिए हुए थे। डायरेक्ट एक्सपेंस से वो 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो ये 129250 के 65% करेंगे तो 84013, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है वो 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो ये 129250 के 15% हम यहाँ पर। हमें जो नॉर्मल लॉस दिया था वो था 10% ऑफ इनपुट, यहाँ पर हमारा इनपुट था 7050 यूनिट्स, तो 7050 यूनिट्स के 10% करेंगे तो 705 यूनिट्स, और उनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू थी वो थी 37.5 रुपीस, तो 37.5 इनटू ये 705 करेंगे तो 26438 में मिलेगा। हमें जो आउटपुट ये बोला है, राइट, या फिर फिनिश स्टॉक है हमारा वो 6525 यूनिट्स है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6525 यूनिट्स जो हम फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। कितना हमें इंफॉर्मेशन दिया था, अब ये 7050 में 705 और 6525 माइनस करेंगे तो आपको नेगेटिव में फिगर आएगा 180, जो हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। अब हमें एबनॉर्मल गेन और जो फिनिश स्टॉक की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारा ये जो एक्सपेंस है, राइट, इतनी अमाउंट उन सभी का टोटल हमें करना है, उसमें से ये 26438 माइनस करना है, उसे डिवाइड करेंगे 7050 माइनस 705, चलिए, राइट, तो हमें मिल जाएगा 140.0496 पर यूनिट। उसे हम एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स और फिनिश स्टॉक अकाउंट के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों अमाउंट हमें मिल जाएंगे। ये हमारा ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में, यहाँ पर हो गया फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट जिसमें प्रोसेस टू में आएंगे 6525 यूनिट्स और 913824 रुपीज। अब हमें यहाँ पर बताया है कि 6000 यूनिट्स है वो सेल कर रहे हैं एट प्रॉफिट ऑन 15% ऑन कॉस्ट के हिसाब से, तो जितना हम सेल करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर हमें 140.0496 है तो उसी अमाउंट के बेसिस पर हम ट्रांसफर करेंगे इन कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो 140.096 6000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 840298 होगा, तो बाकी का जो बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा जो है 525 यूनिट्स इनटू 140.0496 जो अमाउंट थी, तो 73526। और यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट भी बनाया है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है जो हमें डेबिट करना रहेगा, राइट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करेंगे, और जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमें मिले थे वो कंसिडर करना होगा। एबनॉर्मल लॉस हमें प्रोसेस अकाउंट में से प्रोसेस वन अकाउंट में से मिला था जो था 7259 रुपीस, राइट, बट उसमें ये जो 75 यूनिट्स है उनके सामने हमें कितना रियलाइज हो सकता है 12.5, तो उतना हमें माइनस करना होगा और नेट अमाउंट हमें यहाँ पर दिखनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 75 यूनिट्स इंटू 96.7947 जो पर यूनिट रुपीज थे माइनस रुपीज 12.5 जो रियलाइज हो सकते हैं उसे हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 63222। फिर हमारा जो प्रोसेस टू था उसमें एबनॉर्मल गेन हुआ था 180 यूनिट्स का 25209 जो हमारे रुपीज हुए थे, बट वो एबनॉर्मल गेन ग्रॉस है, उसमें से हमें जो स्क्रैप वैल्यू मिल सकती थी ये 180 यूनिट्स के सामने इंटू 180 यूनिट्स इंटू 37.5, तो उसे भी हमें कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर करेंगे 180 यूनिट्स इंटू 140.0496 इंटू माइनस 37.5, तो हमें मिलेगा 18,459, वो यहाँ पर लिखना होगा। और हम सेल्स करेंगे, हमें बोला है कि 15% पर करेंगे, तो हमारी अमाउंट है 840298 इंटू 115%, तो हो जाएगा 966343, तो हमें नेट मिलेगा प्रॉफिट 138182। क्लियर, इस तरह से हमारा इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नवंबर 22 में 10 मार्क्स में पूछा हुआ है, राइट, ऐसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से वो पूछते रहते हैं, तो आपको ये अच्छे से करके जाने चाहिए। चलिए, क्लियर, ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा अलग पार्ट चल रहा है, चालू होने वाला है, जो है वर्क इन प्रोग्रेस का। अब तक के जो क्वेश्चन थे उसमें वर्क इन प्रोसेस के बारे में आपको ऐसा बोल दिया था कि कोई भी वर्क इन प्रोसेस नहीं। अब प्रोसेस अकाउंट में ये प्रॉब्लम होती है कि वर्क इन प्रोसेस में कुछ चीजें हो सकती है, आप जब भी ईयर एंड या फिर आपका पीरियड एंड हो रहा है उस दिन पर कुछ ना कुछ चीजें इन प्रोसेस हो सकती है जो अब तक फिनिश नहीं हुई है,
अब प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस है तो वो अलग अलग स्टेजेस पर हो सकती है। हो सकता है कि उसमें पूरा ही मटेरियल चला गया है बट अभी लेबर और ओवरहेड्स का काम करना बाकी है। कई बार मटेरियल भी ऐड करना बाकी रहता है, लेबर भी बाकी है, ओवरहेड्स भी चार्ज करने बाकी है, तो वो नेक्स्ट पीरियड में होने वाला है। तो क्या करेंगे, उसका कॉस्ट हमें किस तरह से एलोकेट करना है उस पीरियड के लिए, तो हमें WIP में जितना कॉस्ट ऑलरेडी हमने इनकर कर दिया वो भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए WIP को ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि जो टोटल यूनिट्स अगर वो कंप्लीट हो जाते तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने होते हैं, अगर वो 40% कंप्लीट हुआ है, राइट, 40% 100 यूनिट्स इन प्रोसेस है और वो 40% कंप्लीट हो गए हैं, तो हम उसे 100 यूनिट्स नहीं मानेंगे बट 100 यूनिट्स का 40% दैट इज 40 कंप्लीटेड इक्विवेलेंट यूनिट्स हम मानेंगे कि चलो 100 यूनिट्स है वो वर्क इन प्रोसेस में है बट वो 40% कंप्लीट हो गए, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास 40 यूनिट्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए, वो 100 यूनिट्स 40% कंप्लीट, दैट इज 40 कंप्लीटेड यूनिट्स हम मान सकते हैं। तो उस तरह से उसका हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये WIP वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसके क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसको दो मेथड से यूज कर सकते हैं, फीफो या फिर एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। ये कब हमें ज्यादा जरूरी होगी, जब भी हमारे पास ओपनिंग WIP भी है, अगर हम इसी साल पर कोई भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी में से अगर हमें WIP रहता है तो उसमें ओपन फीफो या वेटेड एवरेज कुछ खास काम का नहीं है। बट अगर हमारे पास ओपनिंग WIP भी थी, मतलब कि उसमें प्रीवियस पीरियड में कुछ काम कर दिया था, थोड़ा सा काम इस पीरियड में हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, फीफो में और वेटेड एवरेज में वो दोनों में ही थोड़ा थोड़ा अलग होगा। बाकी इस साल जितना भी हमने इंट्रोड्यूस किया है उसके लिए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। इलस्ट्रेशन 4 दिया हुआ है, ओपनिंग WIP 1000 यूनिट्स, 60% कंप्लीट, मतलब 1000 यूनिट्स है वो ऑलरेडी 60% कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम कितना काम करेंगे उस पर, 40%। कॉस्ट रुपीज 1,10,000 यूनिट्स, मतलब कि ये जो 1,10,000 है वो ऑलरेडी इनकर हो गए हैं, ये 1000 यूनिट्स पर ऑलरेडी 1,10,000 यूनिट्स प्रीवियस पीरियड में इनकर हो गए हैं। यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट रुपीज 19,30,000, इस पीरियड में हमने कितने इंट्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट्स, और उनकी कॉस्ट कितनी है, 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 99,000 यूनिट्स, और नेक्स्ट प्रोसेस में हमने कितना ट्रांसफर किया, 9,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 यूनिट्स, 75% कंप्लीट, और इस पीरियड में एट द एंड कितने यूनिट्स हमारे हैं, 800 यूनिट्स बचे हुए हैं और वो 75% कंप्लीट हुए हैं। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग, मतलब हमने जितना इंट्रोड्यूस किया प्लस जो ओपनिंग WIP थी उन दोनों का 10% है वो नॉर्मल लॉस होने के चांसेस है। स्क्रैप रियलाइजेस एट ₹10 पर यूनिट, स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट, राइट, और वो जो स्क्रैप है वो ₹10 पर यूनिट के हिसाब से रियलाइज हो सकता है और जितना बाकी का कुछ भी स्क्रैप हुआ है तो वो 100% कंप्लीट है। Using FIFO method, compute equivalent production and cost per equivalent unit. Also evaluate the output. इसमें हमें equivalent production कितना हुआ है, क्योंकि opening WIP और closing WIP है तो वो 100% complete नहीं है, but उसको हमें equivalent completed units के हिसाब से calculate करना है कि वो कितने units होते हैं और cost per equivalent unit हमें calculate करना है। चलिए हमें यहाँ पर ऐसा statement बनाना होगा, statement of equivalent production units under FIFO method, जिसमें हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर इनपुट यूनिट्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स फिर से आएगा कि हमें क्या आउटपुट मिला है, यहाँ पर इनपुट के रिलेटेड होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आउटपुट के रिलेटेड, फिर यहाँ पर आउटपुट यूनिट्स लिखेंगे और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगा परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ पर परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ पर आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिया है, पूरा ही टोटल कॉस्ट दिया है। अगर आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल मटेरियल आपने पूरा डाल दिया बट लेबर ओवरहेड्स पूरा नहीं डाला है, तो यहाँ पर मटेरियल की अलग कॉलम आएगी और लेबर ओवरहेड की अलग कॉलम आ सकती है, राइट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। चलिए ओपनिंग WIP में 1000 यूनिट्स थे, राइट, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट्स इस साल, यहाँ पर हम सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट के बारे में कुछ भी हमें नहीं लिखना है। तो टोटल इनपुट्स कितना, इनपुट कितना हुआ, 11,000 यूनिट्स, क्लियर। अब हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो हमने पहले डाला है, जो ओपनिंग में था, राइट, वो पहले आउटपुट बन के निकलेगा, उसके बाद जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो फ्रॉम ओपनिंग WIP कितना होगा, 1000 यूनिट्स,
इस पीरियड में हम कितना उसके ऊपर काम करेंगे, 40%, क्योंकि 60% काम तो ऑलरेडी हो चुका। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स इस पीरियड में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए कह सकते हैं, भले ही वो 1000 हमें कंप्लीट इस पीरियड में मिले, बट 60% ऑलरेडी हमने कर लिए थे, तो उसके ऊपर कॉस्ट हमने इस पीरियड में कुछ भी नहीं करा है, पर 40% यूनिट्स के बनाने में हमने कॉस्ट पूरा करा है। तो यहाँ पर 400 यूनिट्स हमने बनाए ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि 1000 भले ही है बट हमने काम सिर्फ 40% ही किया हुआ है। तो 400 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स हम मानेंगे। फिर फ्रॉम फ्रेश इनपुट्स, मतलब ये 10,000 यूनिट्स में से हमें कितना इनपुट मिला, हमें टोटल हमें आउटपुट कितना मिला, वो हमें टोटल आउटपुट यहाँ पर बताया है कि हमें 9,000 यूनिट्स टोटल आउटपुट मिले कि जो फिनिश हो गए। अब यहाँ पर ये 1000 तो ये ओपनिंग WIP के हो गए कि जो हमें फिनिश होकर मिले हैं, और बाकी के 8,000 फ्रेश इनपुट में से हमें मिले, क्योंकि यहाँ पर टोटल 9,000 करना रहेगा। तो ये 8,000 यूनिट्स तो इसी पीरियड में हमने इंट्रोड्यूस की और उसमें पूरी प्रोसेस हो गई और कंप्लीट भी हो गए, तो वो 100% इसी पीरियड में हुआ, तो वो 8,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हो जाएगा, राइट। अब हमें दिया था कि नॉर्मल लॉस कितना है, अब नॉर्मल लॉस है वो 10% है, वो बिगिनिंग और जो हमारा फ्रेश आउटपुट था उन दोनों का मिलाकर 10% है, 10% है। तो 1000 प्लस 10,000 यूनिट्स के 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 यूनिट्स हो जाएंगे, बट 1100 यूनिट्स तो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पर वो तो परसेंटेज के जीरो ही हो गए, और उनका जो लॉस है वो किसको बेयर करना है, गुड यूनिट्स को बेयर करना है, तो वो अलग से इनका इक्विवेलेंट यूनिट्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो जीरो ही आएगा। फिर क्लोजिंग WIP हमें बताया है कि 800 यूनिट्स है, राइट, और बताया कि वो 75% कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर 800 इंटू 75% तो हो जाएंगे 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स हो जाएंगे, राइट। और जो अब बचा, अब हमने इनपुट कितना किया था, 11,000 यूनिट्स, बट अब हम 9,000 प्लस 1100 करेंगे तो 10,100 होगा, और उसमें 800 ऐड करेंगे तो 10,900 होगा, तो 11,000 और 10,900 के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 यूनिट्स हो गया, जो हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। और हमें एबनॉर्मल लॉस के लिए यहाँ पर एक चीज दी थी कि स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट, एबनॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट्स कभी भी बेयर नहीं करेंगे, उसे अलग से ही कॉस्टिंग पेनल में चार्ज करना होगा। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए जो है 100 यूनिट्स, उसको भी हम मानेंगे कि 100% कंप्लीट है, उसमें भी सारा सब कुछ कॉस्ट हो गया, फिर वो लॉस हुआ है, राइट, तो उसको अलग से चार्ज करना होगा, इसलिए उसे भी कैलकुलेट करना होगा। तो 100 यूनिट्स 100% कंप्लीट है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हो जाएंगे 100 यूनिट्स। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना हुआ, 9,100, सिंपल। ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स मिले, अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कितना हुआ और फिर उससे हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि जो 10,000 यूनिट्स है उसके लिए टोटल कॉस्ट हुआ है 19,30,000 रुपीस, मतलब इस पीरियड में टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 19,30,000 यूनिट्स, राइट। तो ये कॉस्ट फॉर द प्रोसेस है 19,30,000, बट जो हमारे नॉर्मल लॉस हुआ है उसमें से जितना हमें रियलाइज अमाउंट जितनी भी हो गई उतना हमें रिड्यूस करना होगा, जो हमने आगे के भी क्वेश्चन में देखा था। एबनॉर्मल लॉस का जो रियलाइज हुआ वो यहाँ पर कम नहीं होगा, उसको तो हमें एबनॉर्मल लॉस को अलग से कैलकुलेट करना होगा और यहाँ से रिड्यूस करना होगा, उसका रियलाइजेशन वगैरह वो अलग से हो जाएगा, कॉस्टिंग पेनल में हम नेट ऑफ करके बताएंगे। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है 10 रुपीज 10, मतलब ये जो 1100 यूनिट्स हैं उसमें पर यूनिट ₹10 मिल सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर बताया था, स्क्रैप रियलाइजेस ₹10 पर, तो वो 1100 यूनिट्स इंटू ₹10 करेंगे तो 11,000 रुपीज हो जाएंगे, तो 1930 डिवाइड माइनस 11,000 तो हो जाएगा 19,19,000। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ, 19,19,000 रुपीज, राइट, वो टोटल हुआ, कितने यूनिट्स उसमें बनाए हमने, 9,100 यूनिट्स। तो 19,19,000 डिवाइड बाई 9,100 यूनिट्स तो हो जाएगा ₹210.88, मतलब अगर हम देखेंगे तो वो जो फॉर्मूला हम यूज करते थे वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुई है, टोटल एक्सपेंस माइनस नॉर्मल लॉस में से जो रियलाइज हुआ, राइट, तो वो क्या हुआ, 19,19,000 डिवाइड किस से करेंगे, जो तो टोटल हमने इंट्रोड्यूस किए थे, कितने इंट्रोड्यूस किए थे हमने यहाँ पर, हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स किए हैं, इस वजह से थोड़ी सी अमाउंट चेंज होगी, बट इसमें से जो टोटल यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स माइनस हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, तो ये 9,100 यूनिट्स, राइट, तो हमें मिला पर यूनिट कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हमें दिया है, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल अमाउंट। अब ओपनिंग WIP है,
राइट उसमें अब दो चीजें होगी, ओपनिंग डब्ल्यूएपी में ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमने ऑलरेडी एंकर किया होगा तो वो भी हमें ऐड करना रहेगा। पहले तो इस पीरियड में हमने कितना किया, 400 इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने बनाई जिसका पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है 210.88, तो हो जाएगा 84,352। और ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूएपी इन बिगनिंग कितना कर दिया था, 110,000, तो टोटल ओपनिंग डब्ल्यूएपी का अमाउंट कितना होगा, कंप्लीटेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स हो जाएगा 1000 यूनिट्स, यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का टोटल 194,352। 194,352 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 194.35। फिर कंप्लीटली प्रोसेस्ड यूनिट्स है तो 8000 यूनिट्स हमें पूरा ही बन के मिल गया, उसको 210.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,687,040। फिर एबनॉर्मल लॉस है, वो 100 यूनिट्स मिले थे उसका भी कॉस्ट 210.88 माना जाएगा और तो हमारा लॉस हो जाएगा 21,088। बट हाँ, इसमें से भी जब हम कॉस्टिंग पेनल में चार्ज करना होगा तो हमें क्या माइनस करना होगा, जो हमें 1000 रुपीज मिले होंगे, मतलब 100 यूनिट्स इंटू रुपीज 10 रियलाइजेबल वैल्यू है, हमारा नेट लॉस कितना होगा 20,088 रुपीज। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूएपी 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स माने जाएंगे, उसका भी 210.88 रुपीस, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 126,528 हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूएपी। क्लियर, थोड़ा सा अलग है पर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में चलेगा। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 5 जिसमें वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से किया हुआ है। सेम डेटा लिया जो हमने इलस्ट्रेशन 4 में देखा, वही डेटा है, सिर्फ वो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से हमें करना है। इसमें भी सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे तो उसमें एज इट इज रहेगा, ये पर्टिकुलर इनपुट का है और ये पर्टिकुलर आउटपुट का, इनपुट यूनिट्स आउटपुट यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स दिए है। यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगी, इजी रहेगा ये, ओपनिंग डब्ल्यूएपी में 1000 यूनिट्स राइट और यूनिट इंट्रोड्यूस किए 10,000 तो टोटल हो जाएगा 11,000। अब हमारे जो यूनिट्स टोटल कंप्लीट हुआ है वो कितने हैं, 9,000। फीफो में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो ओपनिंग डब्ल्यूएपी में थे ऑलरेडी 1000 यूनिट्स वो पहले बनकर आएंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 9,000 हमें मिले बस वही हमें देखना है वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के थे या फिर फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स के थे, उससे हमें कंसर्न नहीं है, ये वेटेड एवरेज है तो उसमें वो देखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 9000 यूनिट्स हमें इस बार मिले हैं जो 100% कंप्लीट है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हो जाएंगे 9000। फिर नॉर्मल लॉस हमें बोला था 10%, वो तो 1100 वो सेम रहेगा। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोला था 800 यूनिट्स राइट था पर 75% कंप्लीट तो 600 हो जाएगा। और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट 100, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 9700 यूनिट्स, वहां पर हो रहा था 9100 यूनिट्स क्योंकि हमने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में उसे 60% कंप्लीटेड माना था और इस पीरियड में सिर्फ 40% कंप्लीट हो रहा है, उस तरीके से कंसिडर किया राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बट हाँ, इसमें कॉस्टिंग करेंगे तब अमाउंट ऑलमोस्ट नियरर ही आएगी फीफो से करें या वेटेड एवरेज से, देखते हैं वो। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन यूनिट्स, अब वेटेड एवरेज है तो उसमें जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में ऑलरेडी जो एक्सपेंस इनकर कर दिया था राइट बिफोर दिस पीरियड राइट, वो 110,000 है, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फीफो में क्या था कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो उसमें जो इस टाइम पर हमने कंसिडर किया है, इस साल जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में भी जितना 40% जिस टाइम पर हमने प्रोड्यूस किया उसी हिसाब से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। वेटेड एवरेज में ऑलरेडी जो कर दिया है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, इस साल किया है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जो 1000 यूनिट्स है उसको हमने ऐसा अज्यूम किया कि वो 1000 यूनिट्स है वो इसी साल पूरा ही प्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें जो ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर कर दिया था वो भी देखना है, इस साल का भी एक्सपेंस कैलकुलेट करना है और इसमें हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए भी उनको पूरा 100% कैलकुलेट किया है, कंसिडर किया है, तो एक्सपेंस भी पूरा ही कंसिडर होगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस है 19,30,000 जो हुआ था और जो 11,000 रुपीज जो नॉर्मल लॉस में से हमें रियलाइज हो रहा है वो हमें यहाँ से माइनस करना रहेगा तो टोटल हो जाएगा 20,29,000 रुपीज। तो 20,29,000 डिवाइड बाय 9700 यूनिट्स तो रुपीज 209.18 रुपीज होगा। अब यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज 9000, उसमें से ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से कैसा वो कुछ भी नहीं पता है, उसको हम 209.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18,82,620 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस है वो 100 रुपीज है, 209.18 तो 20,918 होगा, बट इसमें से भी जो 1000 रुपीज रियलाइज होंगे वो मैं यहाँ से माइनस करने होंगे और फिर वो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज होगा। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 600 यूनिट्स 209.18 125,508
तो इसके बीच जो अमाउंट है वो नियरर टू फीफो मेथड से जिस तरह से वैल्यू आती है वही है, थोड़ा सा चेंज होगा राइट। तो ये दोनों ही मेथड है वो अलाउड है और वो दोनों ही मेथड से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। इसके और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में है तो वो देखते हैं। इसके बाद ये जो एक टॉपिक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और इलस्ट्रेशन 6 है, वो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। चलिए तो आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर, आपको दिया हुआ है पेज नंबर 10.29 पर दिया हुआ है आपको। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। An English willow company who manufactures cricket bat buys wood as its direct material. The foaming department processes the cricket bats and the cricket bats are then transferred to the finishing department where stickers are applied. Right? ये सिर्फ प्रोसेस हमें समझाई हुई है। The foaming department began manufacturing 10,000 initial bats during the month of December for the first time and their cost is as follow. पहली बार वो bats बना रहा है 10,000, उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल लगा 33,000 रुपीज का, कन्वर्जन कॉस्ट लगा 17,000, टोटल हुआ 50,000। यहाँ पर ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो लेबर और ओवरहेड दोनों ही इसमें कवर अप हो जाता है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो दोनों ही चीज यहाँ पर कवर अप हो जाएगी। अ टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बैट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट, द रेस्ट 2,000 आर वर स्टिल इन फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब वो क्लोजिंग WIP में कितना है 2,000 यूनिट्स और 8,000 है वो हमें फिनिश्ड स्टॉक मिल गया है। ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल वर प्लेस्ड बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट वॉज अप्लाइड टू द एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी। मतलब कि जो मटेरियल है वो पूरा 100% जो हमारा 2000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP में है उसमें चला गया है, बट जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो सिर्फ 25% अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो स्टेटमेंट बनेगा उसके अंदर हमें मटेरियल कॉस्ट के लिए अलग और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अलग से करना होगा, और कन्वर्जन कॉस्ट में सिर्फ 25% ही आएगा। कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। चलिए आंसर देखते हैं फटाफट, इसका सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिया है पेज नंबर 10.35 पर। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ पर हमें कोई भी मेथड फीफो या वेटेड एवरेज वो सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग WIP नहीं दिया है, ओपनिंग WIP नहीं दिया है तो फीफो या वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं होगी। इनपुट डिटेल्स यूनिट्स, आउटपुट पर्टिकुलर्स यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स उसमें मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट होगा। हमने जो इलस्ट्रेशन 4 और 5 देखा उसमें टोटल कॉस्ट ही दिया था, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में कुछ बाइफरकेशन नहीं था, इसलिए सिर्फ एक ही मतलब वो बनता था परसेंटेज और यूनिट्स। यहाँ पर दो अलग अलग रहेंगे, मटेरियल का अलग और कन्वर्जन कॉस्ट का अलग, क्योंकि दोनों में ही कंप्लीशन अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर यूनिट्स हम कितने इंट्रोड्यूस करते हैं 10,000 यूनिट्स राइट, उसमें से फिनिश्ड आउटपुट मिला है 8,000 यूनिट्स, वो 100% कंप्लीट हुआ मटेरियल के हिसाब से, तो 8,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए भी 100% कंप्लीट हो गया, तो 8,000 क्लोजिंग WIP है वो 2,000, तो यहाँ पर 10,000 मैच हो गई, कोई भी टाइप का लॉस या गेन नहीं है, उसमें मटेरियल पूरा ही डाल दिया है तो 100% तो 2,000 रुपीज, तो 10,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स है फॉर मटेरियल कॉस्ट। तो जब भी हमें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा तो हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, बट हमारा लेबर ओवरहेड मतलब कि कन्वर्जन कॉस्ट है वो सिर्फ 25% ही इसमें इंक्लूड हुआ है, तो 100 के 25% करेंगे तो 2,000 के 25% करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500 इक्विवेलेंट यूनिट्स हम मानेंगे, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 8,500। तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो 8,500 से हमें डिवाइड करना। चलिए फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसमें सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का पूछा था, यहाँ पर दोनों का ही कैलकुलेट कर दिया क्योंकि हमारा थर्ड क्वेश्चन के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में 33,000 और 17,000, और हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स है 10,000 और यहाँ पर 8,500, तो उन कॉस्ट को यूनिट्स का यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 3.33 और यहाँ पर 2 रुपीज। सिंपल। अब हमें पूछा था टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश स्टॉक, पहले यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का किया है, कॉस्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमें यहाँ पर दिए थे 2000 और 500 जो हमने कैलकुलेट किए वही कंसिडर करने हैं राइट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 और 2 से तो हमारा हो जाएगा 7600, और जो फिनिश्ड गुड्स है
राइट, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट में तो इक्विवेलेंट यूनिट्स 8,000 रुपीज ही है, तो 3.3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,400। क्लियर? चल अब हम इलस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 देखते हैं जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 10.30 पर। चलिए, हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर्स फॉर हाइड्रो सेक्टर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ मे। पर्टिकुलर्स दिए हैं, यूनिट्स है बिगनिंग WIP मे 1, 16,000 यूनिट्स बिगनिंग WIP में है। स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग मे 1,00,000 यूनिट्स, कंप्लीटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग मे 92,000 यूनिट्स एंड एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस 24,000 यूनिट्स। The beginning work in progress was 60% complete for material and 20% completed for conversion cost. Beginning work in progress is 60% material and 20% conversion cost ho chuka hai. That means 40% material or 80% conversion cost is period mein hum karenge. The ending inventory was 90% complete for material and 40% complete for the conversion cost. Aur jo closing WIP hai usme 90% material ke liye aur 40% conversion cost ka hua hai is time. Cost pertaining to the month of May are as follow. Beginning inventory cost are material 27,670, direct labor 30,120 and factory overhead 12,720. Cost incurred during May, material used hua hai 4,79,000, direct labor hai 182,880 aur factory overhead se 391,160. Right? Yahan par hame opening WIP already kitna cost hua hai wo diya hai aur is period mein humne kitna cost kiya hai wo diya hua hai. कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर मटेरियल। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें कैलकुलेट करने हैं फीफो मेथड के हिसाब से और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इलस्ट्रेशन 4 जैसा है, इसमें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग दिया है। अब फीफो मेथड के हिसाब से तो ओपनिंग WIP और यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से जो हमें आउटपुट मिला वो अलग अलग होगा और इसमें जो टोटल कॉस्ट है उसमें भी थोड़ा सा अलग रहेगा। इलस्ट्रेशन 4 के हिसाब से बिगनिंग WIP में 16,000 यूनिट्स थे, इंट्रोड्यूस की है 1,00,000, तो टोटल 1,16,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ है। उसमें जो आउटपुट मिला राइट उसके यूनिट्स है, फ्रॉम बिगनिंग WIP हमें कितना मिला होगा 16,000 जो सबसे पहले हमें मिलेगा, जिसमें मटेरियल ऑलरेडी 60% दे दिया था, इस बार करेंगे 40%, तो 16,000 का 40% 6,400 और ऑलरेडी 20% कन्वर्जन कॉस्ट हो चुका था 80% इस पीरियड में करेंगे तो 16,000 का 80% 12,800। कंप्लीटेड आउटपुट है वो अब कितना होगा, मतलब जो हमारा फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कितना कंप्लीटेड आउटपुट होगा, क्योंकि हमें टोटल कितना आउटपुट हमें मिला है वो हमें दिया हुआ था राइट। तो वो जो टोटल आउटपुट हमें दिया हुआ था उसी को हमें कंसिडर करना था। टोटल हमें जो आउटपुट मिला था वो 76 और 16 दोनों का टोटल करके है, मतलब कि 92,000 यूनिट्स हमें मिले थे, तो उसमें से 16,000 ओपनिंग WIP में से था और बाकी के 76,000 है वो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं उसमें से होंगे, तो वो तो 100% मटीरियल वाइज और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज इसी पीरियड में हुआ, तो उसके 100% 76, 100% 76,000 और जो क्लोजिंग WIP है उसमें कितना बचा था 24,000 वो भी हमें दिया हुआ था, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो 1,16,000 हो जाता है। दैट मींस कि नो लॉस नो गेन, तो 24,000 यूनिट्स वो हुए, उसमें हमें बोला कि 90% मटेरियल वाइज कंप्लीट है, तो 90% तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 21,600 और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज 40% हो चुका था तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 9,600 राइट। तो टोटल हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल गए मटेरियल के लिए 1,04,000 यूनिट्स और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 98,400 यूनिट्स। हमें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट करना है फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स इस पीरियड में जितना किया था वही कैलकुलेट करना है, वही देखना है 182,880 और 391,160, तो टोटल हो जाएगा 5,74,040 रुपीज। उसको हम यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे, 98,400 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 5.83। क्लियर? सिंपल? चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, आ जाइए पेज नंबर 10.31 पर। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 जो है एसआई क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 21 में भी दिया हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। प्रोडक्शन रिकॉर्ड है,
यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1 फरवरी 4000 यूनिट्स, ऑल मटेरियल यूज्ड 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। ये हमारा ओपनिंग WIP है, 1 फरवरी को इतने यूनिट्स थे 4000 यूनिट्स, जिसमें मटेरियल पूरा ही डाल दिया था पहले ही, और 25% लेबर और ओवरहेड के हिसाब से भी कंप्लीट हो चुका है। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कितना है 16000 यूनिट्स, कंप्लीट कितने हुए हैं 14000 यूनिट्स। इन प्रोसेस एज ऑन 28 फरवरी क्लोजिंग WIP कितना है, ऑल मटेरियल यूज्ड उसमें सब कुछ यूज कर लिया है, 33.33% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, 6000 यूनिट्स, राइट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से WIP एज ऑन 1 फरवरी में ओपनिंग WIP का कॉस्ट दिया है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड वाइज टोटल 8000, और कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ दिया है मटेरियल लेबर और ओवरहेड टोटल 55600। प्रिज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड, यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से हमें करना है, ऑफ इन्वेंटरी इज यूज्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड वाइज कितना है, स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लोजिंग WIP और यूनिट्स जो भी इंट्रोड्यूस फाइनल फिनिश गुड्स मिला है उसमें अगर लॉस या गेन है तो उसमें कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है, और प्रोसेस वन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए वेटेड एवरेज के हिसाब से है तो इलस्ट्रेशन 5 के जैसा होगा, देखते हैं। ये प्रोसेस अकाउंट वैसे तो काफी सिंपल चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में और समझ में भी आ जाता है। चलिए आ जाइए पेज नंबर 10.36 पर। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से, पर्टिकुलर्स मतलब इनपुट डिटेल्स, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट डिटेल्स, आउटपुट यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसमें भी मटेरियल और लेबर ओवरहेड अलग अलग होगा परसेंटेज और यूनिट्स के हिसाब से। सबसे पहले ओपनिंग WIP में 4000 यूनिट्स थे और इंट्रोड्यूस हमने किए हैं 16000, टोटल हो गया 20000, उसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। यहाँ पर वेटेड एवरेज है तो हमें ये नहीं देखना है कि ओपनिंग WIP में से कितना मिला और फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड में से कितना मिला, हमें टोटल कितना मिला वही देखना है, दैट इज 14000 यूनिट्स हमें मिले हुए हैं, राइट। और वो 100% कंप्लीट हो जाएंगे तो 100% दोनों में ही, तो 14000 हो जाएगा। अब जो क्लोजिंग WIP है उसके यूनिट्स है 6000, तो 14 प्लस 6 करेंगे तो 20000 हो जाएगा, सिमिलर टू इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स, राइट। तो कुछ भी एबनॉर्मल लॉस गेन कुछ भी नहीं होगा। चलिए उसमें बताया था कि मटेरियल पूरा ही डाल दिया है तो 100% मटेरियल 36000 यूनिट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बट कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर ओवरहेड्स के लिए बोला था 33.33% डाले हैं, तो 6000 के 33.33% 2000, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 16000, यहाँ पर 20000। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और उनका टोटल दिया है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP का जो प्रोसेस का जो कॉस्ट था वो भी हमें दिया है, तो तीनों का लिखेंगे 6000 1000 1000, टोटल 8000। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ का भी दिया था 25600 15000 15000 55600, टोटल कॉस्ट हमें मिल गया 31600 16000 16000, टोटल 63600। उसे इक्विवेलेंट यूनिट्स हम डिवाइड करेंगे, मटेरियल का हमें दिया था 20000 यूनिट्स और लेबर और ओवरहेड का है 16000, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.58 1 रुपीज 1 रुपी, टोटल 3.58 रुपीज। स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर वेटेड एवरेज है इसीलिए हम ओपनिंग और इस बार इंट्रोड्यूस किया सभी का टोटल करके हम वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, 14000 यूनिट्स हमने कंप्लीट करके ट्रांसफर कर दिए, उसको टोटल कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3.58, दैट इज 50000 20। क्लोजिंग WIP है उसमें एलिमेंट वाइज करना होगा क्योंकि उसमें मटेरियल है वो 6000 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, इंटू रुपीज 1.58, दैट इज 9480। लेबर है वो 2000 यूनिट्स है, रुपी 1, दैट इज 2000। ओवरहेड्स अगेन 2000 इंटू रुपी 1, 2000, टोटल 13480। प्रोसेस अकाउंट हमें बनाना है, ओपनिंग WIP का जितना कॉस्ट हुआ और जितने यूनिट्स है वो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, ओपनिंग WIP 4000 और उनका जो टोटल कॉस्ट था यहाँ पर है 8000 यूनिट्स, राइट, वो हमें लिखना होगा। फिर मटेरियल 16000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, उसकी अमाउंट थी 25600, लेबर और ओवरहेड का कॉस्ट दिया था 15000, कंप्लीटेड यूनिट्स का 14000, उसके सामने 50000 120, जो हमने आगे क्वेश्चन में लिखा वही अमाउंट, और क्लोजिंग WIP 6000 यूनिट्स, राइट, 6000 लिख में है, इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं आएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो सिर्फ हमारा कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट कितना हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें काम में आएगा, बाकी प्रोसेस अकाउंट में तो हमें यहाँ पर 6000 यूनिट्स ही लिखना है, यहाँ पर 4000 और यहाँ पर 6000, वहां पर गलती हो सकती है वो ध्यान में रखिएगा, और अमाउंट यहाँ पर 13,048, क्लियर, और ये हमारा प्रोसेस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4।
तो आ जाइए पेज नंबर 10.31 पर दिया है नीचे. फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू द वर्क डन इन प्रोसेस वन बाय एक्स वाई जेड कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च. ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है 2000 यूनिट्स दिया हुआ है, उसमें मटेरियल लेबर और ओवरहेड का कितना एक्सपेंस है वो भी दिया है तीनों का. मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस वन 38,000 यूनिट्स, उसका कॉस्ट है 14,80,000 रुपीज, राइट. डायरेक्ट लेबर है 359,000, ओवरहेड से 10,77,000. ये इस पीरियड में हमने कितना एक्सपेंस किया और कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए उसके डिटेल्स है. फिर यूनिट्स स्क्रैप्ड, 3,000 यूनिट्स हमारा स्क्रैप हो गए. डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल में 100% कंप्लीट हो गया था और लेबर ओवरहेड्स में 80% कंप्लीट हुआ था, राइट. यहाँ पर स्क्रैप के बारे में डिटेल्स है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल में 100%, लेबर ओवरहेड्स में 80%. यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 35,000 यूनिट्स, राइट. नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यू आई पी. यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकली कि टोटल 5% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, तो हमें यहाँ पर इन दोनों को कंसिडर करना है, 38,000 और 2,000 यूनिट्स. अगर आपको ऐसा नहीं दिया होता तो सिर्फ 38,000 यूनिट्स का आपको कंसिडर करना रहता. स्क्रिप्ट यूनिट फेच ₹20 पर पीस. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने 38,000 इस बार इंट्रोड्यूस किए, 2,000 ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के थे, तो टोटल 40,000 यूनिट्स हुआ. इसके 5% तो नॉर्मल लॉस है, 5% करेंगे तो हो जाएगा 2000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुआ, राइट. तो ये माइनस करना होगा. फिर यहाँ पर हमें बताया कि 3000 टोटल स्क्रैप हुआ था, राइट. तो एबनॉर्मल लॉस कितना है, 2000 तो नॉर्मल लॉस हो गया, 1000 एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा. और जो 2000 है वो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में है, तो वो भी अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 35,000. जो 35,000 है यहाँ पर हमें बताया है यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है वो 35,000 यूनिट्स, राइट. तो वो मैच इस तरह से होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्रोसेस वन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पेज नंबर 10.38 पर दिया हुआ है. सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दिया है, सेम फॉर्मेट. ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है 2000 यूनिट्स, इंट्रोड्यूस्ड 38,000, टोटल 40,000, उसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, राइट. सीधा ही 35,000, 100% कंप्लीट हो जाएगा वो, तो 35,000. फिर नॉर्मल लॉस है 5% और 40,000, क्योंकि हमें ये दोनों का ही कंसिडर करना था, राइट. 2000 इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं आएंगे क्योंकि इसका कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स और बाकी के यूनिट्स को ही बेयर करना रहेगा. एबनॉर्मल लॉस है, हमें क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है वो 2000 दिया था, तो उसमें 100% मटेरियल वाइज कंप्लीट था, तो 2000 वो, 80% लेबर ओवरहेड्स वाइज कंप्लीट था, तो वो तो 1600. तो बैलेंसिंग फिगर 1000 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें भी बोला है कि स्क्रैप यूनिट्स है वो 100% मटेरियल वाइज कंप्लीट है, तो यहाँ पर 100,000 और 80% लेबर ओवरहेड वाइज कंप्लीट है, तो यहाँ पर 8,800 यूनिट्स, सिंपल. चलो तो इस हिसाब से हमें मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स और लेबर ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पर. अब हमें स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स और टोटल दिया होगा. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का जो कॉस्ट हमें दिया था वो तीनों का लिखेंगे हमने, टोटल 1,40,000. फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ है वो दिया हुआ था हमें, तो वो यहाँ पर लिखेंगे. और फिर हमें रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, नॉर्मल स्क्रैप है उसको तो गुड यूनिट्स को बेयर करना है, बट उसमें से अगर कुछ भी रियलाइज होता है तो वो हमें इसमें से रिड्यूस करना रहेगा. तो यहाँ पर हम मटेरियल में से रिड्यूस कर रहे हैं, 20 रुपीज पर यूनिट बोला था, तो 20 यूनिट्स × 2000 यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 15,20,374,11,22,000, टोटल 30,16,000. इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पर है 38 और 37,400, मटेरियल में लिखेंगे 38, बाकी दोनों में 37,400. तो टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा 40, 10, 30, टोटल 80 रुपीज. अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमोंग यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस और जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है उनके उनमें. तो कंप्लीटेड यूनिट्स के 35,000 यूनिट्स इंटू टोटल कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपीज था, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 लाख.
फिर एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल और लेबर ओवरहेड वाइज करना होगा। मटेरियल में 1000 और यहाँ पर 2000 यूनिट्स रुपीज 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। लेबर और ओवरहेड में उनका 80 परसेंटेज कंप्लीट था, तो यहाँ पर 800 × 10, 800 × 30, 1600 × 10, 1600 × 30 राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। अब हमें प्रोसेस वन अकाउंट जो हमने आगे के क्वेश्चन में भी देखा था, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है, यहाँ पर इन तीनों का बाइफरकेशन दिया है, आप अलग सीधा ही लिखे हुए तो भी चलेगा, राइट। 2000 यूनिट्स थे और इन तीनों के एक्सपेंस दिए हुए हैं। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 38,000, 14,80,000 डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का दिया है। फिर नॉर्मल लॉस है वो 2000 यूनिट्स थे और उसमें से रियलाइज हो रहे हैं 40,000 रुपीज, तो वो यहाँ पर लिखे। एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स और उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिली, दैट इज 72,000। प्रोसेस वन एक्चुअली यहाँ पर प्रोसेस टू अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस वन तो हम लिख रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, तो प्रोसेस टू में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके 35,000 यूनिट्स और यहाँ पर 28 लाख रुपीज हमने कैलकुलेट किया था वो ऐड करेंगे। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 2000 यूनिट्स और उनका 144 हमें मिला था। इस तरह से प्रोसेस वन अकाउंट हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट है वो यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो प्रोसेस वन अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड पर प्रोसेस वन अकाउंट लिखेंगे 2000 यूनिट्स 40,000 रुपीज और उसे सीएलसी अकाउंट, क्योंकि सीएलसी में से हमें रियलाइज होने वाले हैं ना, 40,000 रियलाइज होंगे तो सीएलसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2000 × 40,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है तो ये प्रोसेस वन में से हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर डेबिट साइड लिखा 1000 × 72,000 रुपीज। सीएलसी में हमें रियलाइज होगा 20 रुपीज पर यूनिट है, तो यहाँ पर 1000 × 20,000 रुपीज हमें रियलाइज हो गया, तो नेट जो बचेगा 52,000 वो हमारा कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज होगा। क्लियर, चलिए। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट वगैरह थोड़ा सा अलग था और अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको देखकर जाना चाहिए। चलिए फिर आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 पर, पेज नंबर 10.32 पर दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आरटीपी मई 21 और आरटीपी मई 22 में दिया हुआ है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट व्हिच पास थ्रू टू प्रोसेसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। मटेरियल फॉर 40,000 कंपोनेंट्स वर पुट इनटू प्रोसेस वन ऑफ व्हिच 30,000 वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू। यहाँ पर दो प्रोसेसेस होती है, प्रोसेस वन में 40,000 कंपोनेंट्स डाले, 30,000 है वो कंप्लीट हो गई और प्रोसेस टू में हमने इनपुट किया। Those not transferred to process 2 were 100% complete as to material cost and 50% complete as to labor and overhead cost. जो भी नहीं बना है उसमें 100% complete हो गया material wise और 50% labor and overhead wise complete हो गया है। The process 1 cost incurred were as follows. Direct material 15,000 rupees, direct wages 18,000 rupees, factory overheads 12,000. Of those transferred to process 2, 28,000 units were completed and transferred to finished goods stores. जो process 2 में transfer किए थे, कितने transfer किए थे? 30,000. पहले process 1 में 40,000 input किए, उसमें से 30,000 मिले जो process 2 में transfer किए, बाकी के 10,000 है वो अभी भी closing WIP में है of process 1. फिर वो जो 30,000 process 2 में डाले, उसमें से 28,000 complete हो गए और उसे stores में transfer कर दिया। There was a normal loss with no salvage value of 200 units. 200 units है उसका normal loss हुआ in process 2. There were 1800 units remained unfinished in the process with 100% complete as to material and 25% complete as regards to wages and overheads. और उसमें 1800 है वो closing WIP में है, जिसमें 100% material डाल दिया है, 25% complete regarding labor and overheads भी हो गया है। तो 1800 प्लस 200 2000 प्लस 28,000 30,000, तो हमारा प्रोसेस 2 में भी एबनॉर्मल लॉस या गेन नहीं है। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस व्हेन प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड टू अ कंप्लीटेड कंपोनेंट्स। प्रोसेस 1 में जो इंट्रोड्यूस किया था मटेरियल वही होता है, उसके अलावा कोई भी मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता अंटिल द सेकंड प्रोसेस एंड्स, राइट। वहां पर प्रोटेक्टिव पैकेजिंग उसमें ऐड किया जाता है। द प्रोसेस और पैकेजिंग कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस टू वर पैकेजिंग मटेरियल 4000। ये पैकेजिंग मटेरियल है सिर्फ वो प्रोसेस टू में जब एंड होता है तो तभी वो लगाया जाता है, वो तो वो 28,000 यूनिट्स के लिए ही होगा, राइट। डायरेक्ट वेजेस 3500, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4500। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस वन अकाउंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस टू अकाउंट। देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है,
क्योंकि दोनों ही प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स और अकाउंट्स हमें बनाने हैं। आज 10.40 पर प्रोसेस वन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें थोड़ा सा उनका फॉर्मेट है इन्होंने चेंज किया है, बट आई एडवाइस कि आपको जिस तरह से अब हम जनरली करते हैं आगे के क्वेश्चंस में दिया है उसी फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें पर्टिकुलर्स और कंप्लीटेड यूनिट्स के बारे में दिया है जो 30,000 है मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स वाइज। क्लोजिंग स्टॉक है उसमें यूनिट्स थे 10,000 तीनों के लिए, बट जो मटेरियल है उसमें 100% कंप्लीट है, बाकी में 50-50%, तो 10,000, 5,000, 5,000। तो उन्होंने मटेरियल वाइज किया टोटल 40,000 और लेबर और ओवरहेड्स वाइज हुआ 35,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हुए, राइट। उन्होंने थोड़ा सा अलग से प्रेजेंट किया, हम जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसमें भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा। और फिर प्रोसेस वन अकाउंट हमने बनाया है, सॉरी प्रोसेस वन के लिए पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ वो फाइंड किया है, तो पर्टिकुलर्स वाइज मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स, प्रोसेस कॉस्ट टोटल कितना है वो दिया है, इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने यहाँ पर फाइंड किए वही लिखे है 40,000, 35,000, 35,000। तो प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट्स किया तो 0.375, 0.514 और 0.343 हुआ। फिर WIP स्टॉक इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट, वो कैलकुलेट किया तो ताकि WIP का स्टॉक मिले उसका कॉस्ट मिले, तो 10,000, 5,000, 5,000, राइट, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 3750, 2570, 1715, तो टोटल हो गया 8035। और जो फिनिश्ड स्टॉक है मतलब प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो है 30,000, तो 30,000 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 11,250, 15,430, 10,285, तो टोटल हो गया 36,965। फिर प्रोसेस वन अकाउंट बनाया है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है 40,000 यूनिट्स, 15,000 रुपीज, वेजेस है 18,000 रुपीज, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 12,000 रुपीज, टोटल हो गया 40,000 और 45,000 रुपीज। प्रोसेस टू में ट्रांसफर किया 30,000 यूनिट्स एट 36,965 रुपीज, क्लोजिंग WIP में हो गया 10,000, 8,035, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए, राइट। तो ये प्रोसेस वन अकाउंट हो गया। अब प्रोसेस टू का देखते हैं, प्रोसेस टू में भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसी तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया है। मटेरियल है वो 28,000 हमारा टोटल, जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें 28,000 हमें बन रहे हैं, और जो क्लोजिंग WIP है उसमें 18,800 हमें मिल रहा है, बट उसमें मटेरियल 100% है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स 18,800 हो जाएंगे, बट बाकी दोनों 25% कंप्लीट है तो उसका 450 बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हो जाएंगे 29,800, 28,450, 28,450, और जो 200 नॉर्मल लॉस है तो वो तो वैसे भी जीरो ही होने वाला है। प्रोसेस टू का कॉस्ट देखेंगे तो मटेरियल वेजेस और ओवरहेड्स वाइज है, मटेरियल यहां पर प्रोसेस वन में जैसे वन में से जो ट्रांसफर किया, राइट, उसे कंसिडर किया जाएगा, दैट इज 36,965, 29,800 टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स है उससे डिवाइड करेंगे तो 1.240 पर यूनिट हमें कॉस्ट मिल जाएगा। लेबर और ओवरहेड का हमें दिया था 3500 और 4500, और यूनिट्स 28450 से डिवाइड करेंगे तो 0.123 और 0.158 मिलेगा। WIP स्टॉक इक्विवेलेंट यूनिट्स है वो 1800, 450, 450 दिए थे क्लोजिंग WIP, उनके साथ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2232, 5571, टोटल 2358। और जो कंप्लीटेड यूनिट्स है फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर कर रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज यहाँ पर जो 28,000 है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो 3473, 3445, 4429, टोटल 42607। और पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट भी उसमें हमें ऐड करना है, वो बोला था कि सेकंड प्रोसेस के एंड में ही ऐड करेंगे, तो पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है 4000, वो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पर आएगा, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 46607, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस है। प्रोसेस टू अकाउंट बनाया है, प्रोसेस वन में से ट्रांसफर किया 30,000 यूनिट्स 36,965 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस दिए 3500, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4500, पैकेजिंग चार्जेस 4000, फिनिश स्टॉक में 28,46607, राइट। नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स था, उसकी अमाउंट कुछ रियलाइज नहीं हुई तो जीरो, और WIP स्टॉक 1800 और 2358 रुपीज, क्लियर। तो यहाँ पर प्रोसेस टू अकाउंट भी बन गया, राइट। तो ये दो बार RTP में दिया हुआ है जिससे मैंने पहले ही आपको बताया, होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। चलिए अब लास्ट जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखते हैं, पेज नंबर 10.33 पर दिया हुआ है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन RTP May 23 में दिया है,
उसमें थोड़ी सी स्टोरी चेंज कर दी है, बाकी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए। हेल्दी स्वीट्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेगरी। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व सुगर कैन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, देन फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग ऑफ जूस अलोंग विद सम केमिकल्स एंड देन लेटिंग इट कूल टू कट सॉलिड सॉलिडिफाइड जेगरी ब्लॉक्स। यहाँ पर जेगरी कैसे बनाता है उसकी फॉर्मूला प्रोसेस हमें दी गई है। द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वन इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर विच इज देन फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड प्रोसेस टू एंड इन आयरन पॉट्स। प्रोसेस वन है वो जूस एक्सट्रैक्शन की है, राइट? और फिर बॉइल वगैरह फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। द सॉलिडिफाइड जेगरी ब्लॉक्स आर देन कट पैक्ड एंड डिस्पैच्ड। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 kg ऑफ जेगरी 100 kg ऑफ सुगर कैन इज रिक्वायर्ड विच एक्सट्रैक्ट ओनली 45 लीटर ऑफ जूस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 10 kg जेगरी बनाने के लिए 100 kg ऑफ सुगर कैन यूज किया जाता है जिसमें से 45 लीटर ऑफ जूस ही निकलता है। इसके बारे में हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे, पहले पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस वन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी स्वीट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओपनिंग WIP दिया है 4500 liters है, राइट? ये प्रोसेस वन के बारे में ही दिया है, तो वो जो सुगर कैन का जूस है उसके बारे में है। सुगर कैन लेबर एंड ओवरहेड्स यहाँ पर दिया हुआ है। सुगर कैन इंट्रोड्यूस्ड फॉर जूस एक्सट्रक्शन 1 lakh kg यहाँ पर लीटर में है, यहाँ पर 1 lakh kg में दिया है। यहाँ पर सुगर कैन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 lakh kg, 5 lakh rupees डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस है वो 1000 kg का एबनॉर्मल लॉस हुआ सुगर कैन का। डिग्री ऑफ कंप्लीशन सुगर कैन और लेबर ओवरहेड्स 100% 80%, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस स्पेसिफिकली दिया था। आगे के क्वेश्चन में स्क्रैप दिया था, तो स्क्रैप के अंदर नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों ही आ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एबनॉर्मल लॉस है। क्लोजिंग WIP 9000 liter दिया हुआ, क्लोजिंग WIP फिर से लीटर में। डिग्री ऑफ कंप्लीशन सुगर कैन और ओवरहेड में 180%। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर्ड फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग 39500 liter। जो हमारा फाइनल आउटपुट जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं वो कितना है 39500 liter। कंसिडर मास 1 liter ऑफ जूस इक्वलेंट टू 1 kg। 1 liter इज इक्वल टू 1 kg हो रहा है, तो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लीटर और केजी में मतलब लिखने में ही प्रॉब्लम होगा। प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस बना। अब यहाँ पर क्या है कि 44500 liters है वो हमारा ओपनिंग में है, 1 lakh kg हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर 1 lakh kg हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर 1 lakh liter जो भी आप कंसिडर करें। 1 lakh kg हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज दी गई थी जो आपके आगे के पेज पर है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 10 kg ऑफ जेगरी 100 kg ऑफ सुगर कैन इज रिक्वायर्ड विच एक्सट्रैक्ट्स ओनली 45 लीटर ऑफ जूस। मतलब 100 kg हम सुगर कैन डालेंगे तो उसमें से सिर्फ 45 लीटर हमें मिलता है, मतलब कि हम 100 kg इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ 45 kg हमारा काम बनता है, राइट? तो वो 55 kg लॉस हो जाता है। तो वो कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। अपने सुगर कैन देखा होगा, खाया होगा, राइट? तो पता है सुगर कैन में वो जो कचरा है वो ज्यादा निकलता है, उसमें से जूस है वो बहुत कम निकलता है, तो 55% तो उनका नॉर्मल लॉस है। चाहे कितना भी कर ले वो अनअवॉइडेबल है, उनका नेचर ही ऐसा है, तो उसमें से जो जूस निकलने वाला है वो बहुत कम निकलने वाला है, तो 55% यहाँ पर नॉर्मल लॉस होता है। ये समझ में आना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा हो तो होगा तो पहली बार में ये चीज शायद आपको क्लिक नहीं होगी, नॉर्मल लॉस क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, ये हमें समझना होगा, राइट? तो यहाँ पर 1 lakh units है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, बट उसमें से 55% तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 55000 kg या फिर लीटर है वो तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 45000। अब 45000 हमारे पास अवेलेबल है, 4500 है वो, 4500 liter है वो क्या होगा ओपनिंग का, तो टोटल होगा 4950। उसमें से हमें बोला है कि 39500 liter हमें मिल रहा है, तो 39500 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10000 liter बचेगा। 10000 में से हमें बोला है 1000 kg एबनॉर्मल लॉस और 9000 क्लोजिंग WIP में, तो यहाँ पर 10000 हो गया, 9000 और 1000 का टोटल 10000, तो टोटल हमारा यूनिट्स इस तरह से बायफर्केट होगा, राइट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने जो क्वेश्चन किए हैं वही चीजें हैं, बट ये एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस का समझ में आना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आपको लास्ट में ही दिया है ये चैप्टर के, जो पेज नंबर 10.42 पर है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, राइट। फॉर्मेट वही है, ओपनिंग WIP में 4500 यूनिट्स, इंट्रोड्यूस्ड कितने की है 1 लाख यूनिट्स। यहाँ पर 4500 लीटर था, 1 लाख केजी था, बट दोनों का ही मास सेम है तो 1 लाख उनका टोटल हम कर सकते हैं 104500। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 39500, जो 100% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस 55% ऑफ 1,55,000, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस के बारे में दिया था 1000 यूनिट्स, तो 100% मटेरियल वाइज कंप्लीट था, और 80% कन्वर्जन कॉस्ट वाइज, तो 800 यहाँ पर होगा। क्लोजिंग WIP 9000 यूनिट्स, 100% मटेरियल वाइज, 80% लेबर ओवरहेड्स वाइज, राइट। तो इस तरह से हमारा टोटल आउटपुट और इनपुट मैच हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमें मिल गया। फिर स्टेटमेंट्स ऑफ इन कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, राइट। सुगर कैन लेबर ओवरहेड टोटल, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP यहाँ पर टोटल दिया है, फिर इनकर ड्यूरिंग द मंथ किया, इन दोनों का टोटल किया, इक्विवेलेंट यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट हमें कॉस्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसका, एबनॉर्मल लॉस और हमें क्लोजिंग WIP तीनों का करना है। 39500 इंटू 29.216 जो टोटल है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एबनॉर्मल लॉस है वो 1000 यूनिट्स को मटेरियल के कॉस्ट के साथ, और ये 800 यूनिट को 4.526 और 13.579 से, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट मिलेगी। क्लोजिंग WIP में भी 9000 7200, और उनका भी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 233555 हो जाएगा। प्रोसेस वन अकाउंट बनाया है, ओपनिंग WIP में भी तीनों का उन्होंने बाइफर्केट करके कॉस्ट लिखा हुआ है। सुगर कैन इंट्रोड्यूस का कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया, 5 लाख रुपीज लेबर और ओवरहेड का एक्सपेंस लिखा है। नॉर्मल लॉस 55,000 यूनिट्स, कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है तो जीरो अमाउंट आएगी। एबनॉर्मल लॉस जो है 1000 यूनिट्स, और उनकी अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है, राइट। यहाँ पर 25595 है और यहाँ पर 25613 है, क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल वगैरह में थोड़ा सा अमाउंट चेंज हो रही होगी, मैच नहीं हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है, वो ठीक है। प्रोसेस टू है 39500, और यहाँ पर हमें अमाउंट भी दी गई थी तो वो कंसिडर किया है, और क्लोजिंग WIP में 9230। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन RDP में 23 में भी दिया हुआ है, राइट। आपको अलग से वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की जो स्टोरी, यहाँ पर जो स्टोरी है ना, यहाँ पर सुगर कैन वाली दी गई है, राइट, वहां पर मिल्क वाला दिया गया है, तो वो सिर्फ आप देखना हो तो देख सकते हैं। उसमें भी इवन 55% का ही नॉर्मल लॉस आ रहा है, इवन कॉस्ट पर यूनिट भी सेम आ रहा है, उन्होंने सिर्फ कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया है अमाउंट में, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। चलिए, राइट, तो ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। अब हमें दो पॉइंट जो डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं। आपको जो दिए थे, एक तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वो देखना है हमें सबसे पहले, और ऑपरेशन कॉस्टिंग देखना है। 10.21 पर आ जाइए, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट दिया हुआ है। कई बार एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं तब प्रॉफिट उसमें ऐड करके ट्रांसफर किया जाता है। टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू मेजर परफॉर्मेंस, डिफरेंट प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइंड एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स। In this type of organizational structure, the output of one process is transferred to the next process, not at cost but at market value or cost plus a percentage of profit, right? अब तक के जो question देखे थे उसमें जो process one में से process two में transfer किया जाता था वो cost पर किया जाता था, but यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक process में से दूसरी process में transfer करेंगे तो वो cost plus profit या फिर market value पर transfer किया जाएगा। The difference between cost and the transfer price is known as inter-process profit. Advantages, disadvantages दिए हुए हैं। Advantages, comparison between the cost of output and its market price at the stage of completion is facilitated. हम at the end market value कितनी होगी वो पता चल जाएगा। Each process is made to stand by itself as to profitability. हर process में से कितनी profitability होती है वो भी हमें पता चलेगा। Disadvantages, use of inter-process profits involve complication. Calculation, computation वो complicated हो जाएगा. Overall organization के लिए इतना beneficial नहीं होगा. Systems of profit which are not realized because of stock not sold out. हमने बाहर नहीं बेचा है तो actual में कुछ भी profit नहीं हुआ है, तो actual में वो profit realized profit नहीं दिखाता. ये आपको theory में पूछने के chances है. Advantages, disadvantages और उनका meaning आपको पूछ सकते हैं, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा. इसका एक क्वेश्चन हमें दिया है इलस्ट्रेशन 6, तो वो समझ लेते हैं। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स विच पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड स्टॉक। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड
फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दिया है, प्रोसेस वन टू एंड फिनिश्ड स्टॉक के बारे में है। ओपनिंग स्टॉक है 7500 9022500, डायरेक्ट मटेरियल 15000 15750, डायरेक्ट विच इज 11200 11250, फैक्ट्री ओवरहेड्स 10500 4500, क्लोजिंग स्टॉक 3700 4500 11250। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है उनमें कितना प्रॉफिट है वो दिया है 1500 और 8250। प्रोसेस वन में ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा, होगा तो वो बाहर की पार्टी का होगा तो वो हमें पता नहीं होगा, बट बाकी प्रोसेस टू और फिनिश स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट होंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में, ओपनिंग स्टॉक में तो वो कंसिडर किया है, वो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई। फिर दिया है आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज ट्रांसफर टू प्रोसेस टू एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। प्रोसेस वन में से प्रोसेस टू में ट्रांसफर करते हैं तो 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस उसमें प्रॉफिट एड किया जाता है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस, जबकि प्रोसेस टू में से फिनिश स्टॉक में 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस पर वो ट्रांसफर किया जाता है। स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, स्टॉक इन प्रोसेस जो है वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है, और फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर ₹1,40,000। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स अकाउंट्स शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज, इसमें हमें प्रॉफिट एलिमेंट भी दिखाना है। चलिए सबसे पहले प्रोसेस वन अकाउंट है जिसमें पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट है कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट प्रॉफिट और उनका टोटल दिया है, पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट वाइज। ओपनिंग स्टॉक दिया था 7500 टोटल होगा, कॉस्ट ही थी उसमें तो, डायरेक्ट मटेरियल 1515, डायरेक्ट वेजेस 11200, इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा। फिर उसमें हमें ओवरहेड्स ऐड करना होगा 10500 10500, तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा 44000, राइट। चलिए फिर यहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक की भी अमाउंट दी है 3700, तो क्लोजिंग स्टॉक 3700, उसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा। अब हम जो प्रोसेस टू में ट्रांसफर करेंगे उसमें प्रॉफिट एलिमेंट आएगा, तो प्रोसेस टू में हमें कितना ट्रांसफर करना है राइट, वो हमें यहाँ पर कॉस्ट में से पता चलेगा। यहाँ पर टोटल 44200 डेबिट साइड पर हो गया, उसमें से 3700 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 40500, राइट। बट 40500 ट्रांसफर करेंगे बट उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी आएगा, और प्रॉफिट एलिमेंट हमें किस तरह से देना है, तो 40500 हमें जो दिया है उसके ऊपर नहीं बट जो ट्रांसफर प्राइस होगी उसके ऊपर हमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करना है। जो प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस हमें बोला गया। तो हम किस तरह से करेंगे, तो ये 40,500 हम ऐसा मान सकते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस राइट, तो यहाँ सेलिंग प्राइस या फिर ट्रांसफर प्राइस जो भी बोला तो वो 100 होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट 25 होगा और ये 75 होगा। हमारे पास यहाँ पर 75 के सामने है 40,500 राइट, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, इवन हमें ट्रांसफर प्राइस भी मिल सकती है राइट। तो ये करेंगे तो ये कितना आ रहा है 13,500, यहाँ पर भी आपको भी कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो ये 13,500 होगा, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 54,000 हमें मिल जाएगा राइट। तो 54,000 पर हम प्रोसेस टू में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट एलिमेंट आएगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट और यहाँ पर प्रॉफिट 13,500, क्लियर, इस तरह से होगा। चलिए फिर प्रोसेस टू अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस टू में ओपनिंग स्टॉक हमें दिया था, यहाँ पर दिया हुआ है 9000 बट उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है 1500, तो 7500 है वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी, तो 9000 टोटल, 7500 कॉस्ट, प्रॉफिट 1500। फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन हमें यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया वही यहाँ पर डेबिट होगा 54,000 40,500 और 13,500 प्रॉफिट हो जाएगा। फिर मटेरियल और वेजेस ऐड करेंगे 15,750 और 11,250, तो टोटल हो जाएगा इस तरह से, वो प्राइम कॉस्ट बनेगा। उसमें ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा, क्लियर। अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है वो 4500 दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है, इसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर 4500 टोटल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, बट यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना है वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा।
हमें यहां पर एक चीज दी गई थी कि स्टॉक इन प्रोसेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पर है वो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है, वो प्रोसेसेस में प्राइम कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, तो प्राइम कॉस्ट यहाँ पर 75,000 है, राइट, और उसकी टोटल अमाउंट हो गई 90,000, राइट। तो 75,000 का कंसिडर कराया जाता है टोटल 90,000, तो उसको हम बेस ले सकते हैं कि 75,000 है, राइट। मतलब कि 90,000 के सामने हमारे पास कितना है, 4,500, तो 75,000 के सामने कितना होगा, तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3,750 हमें मिलेगा। तो 4,500 के सामने कॉस्ट होगी 3,750 और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट होगा 750 रुपीज, राइट। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब हमें फिनिश्ड स्टॉक में कितने से अमाउंट से ट्रांसफर करना है वो देखना रहेगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गया 79,500, उसमें से 3,750 माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट मिलेगा 7,750। और अगेन वही चीज होगी, यहाँ पर हमें प्रोसेस टू में से फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, राइट। तो यहाँ पर करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन जो ट्रांसफर प्राइस है, तो वो 100, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 80। तो 80 के सामने हमें पता है 7,750 है, तो 20% के सामने कितना, तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है तो वो हो जाएगा 36,750 और इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,12,500, क्लियर। ये हम फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे और प्रोसेस टू में यहाँ पर प्रॉफिट भी लिखना मत भूलिएगा, टोटल 22,500 होगा। 36,750 यहाँ पर था, 15,000 उसको कंसिडर माइनस करेंगे और फिर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 22,500, राइट। टोटल 37,500 हो जाएगा। फिर फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है हमें, तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया है 22,500, टोटल है उसमें कॉस्ट 14,250 और प्रॉफिट 8,250, प्रॉफिट दिया था उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट हमें मिल जाएगा। फिर प्रोसेस टू में से हमने ट्रांसफर किया 1,12,500, 7,750 और 36,750। अब हमने बेचा कितना है कॉस्टिंग पीएनएल में अगर हम जाएंगे तो हमें 1,40,000 का हमने सेल किया है, राइट। तो 1,40,000 यहाँ पर हम सेल किया है वो दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें यहाँ पर बोला है 11,250 है, राइट। तो यहाँ पर 11,250 और हमें यहाँ पर एक चीज और भी दी गई थी कि जो फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू, प्रोसेस टू में से जो अमाउंट पे मिला है उस हिसाब से हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यू के लिए हमें ये चीज देखनी रहेगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस टू अपॉन ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम प्रोसेस टू इनटू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि ये जो 11,250 है, राइट, उसके सामने कितना है 1,12,500, तो 75,750 के सामने कितना होगा, तो वो ऑब्वियसली 7,575 हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 7,575, तो यहाँ पर होगा 3,675, राइट। तो और ये दोनों हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर, राइट। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें 16,250 मिल जाएगा, क्लियर। चल इस तरह से ये फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक ही दिया है, बहुत पूछा नहीं है, पूछ भी सकते हैं बट कुछ नहीं ज्यादा, वो WIP के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑपरेशन कॉस्टिंग, जो थियरी में आपको पूछ सकते हैं। जब प्रोसेस सेम है बट उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस, आपके आउटपुट अलग अलग है तो उसमें मटेरियल अलग अलग यूज होता है बट प्रोसेस सेम होती है तो उसे ऑपरेशन कॉस्टिंग कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन RTP नवंबर 20 में थियरी में दिया हुआ है, ये पूछ भी सकते हैं। द प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड व्हेन एन एंटिटी प्रोड्यूसेस मोर देन वन वेरिएंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स बट विद सिमिलर कन्वर्जन एक्टिविटीज, which means conversion activities are similar for all the product variants but material differs significantly. जो हमारा final product है उनके अलग अलग variants है but process उसमें सभी में same use होती है but material से वो अलग अलग use होते हैं। Operation costing method is also known as hybrid production costing system as material costs are accumulated by job order or batch wise but conversion cost that is labor and overhead cost are accumulated by department and process costing methods are used to assign this cost of products. Moreover, under operation costing, conversion costs are applied to products using a predetermined application rate. This predetermined rate is based on budgeted conversion cost.
फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिलक्स एंड प्रोडक्ट रेगुलर, बोथ द प्रोडक्ट पास थ्रू अ सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस बट रिक्वायर्स डिफरेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अक्यूमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब और बैच और यूनिट ऑफ टू वेरियंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बट द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन एक्टिविटीज नीड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट वेरियंट्स एज बोथ प्रोडक्ट्स रिक्वायर सिमिलर एक्टिविटीज टू कन्वर्जन। मतलब दोनों ही जो भी प्रोडक्ट होगी इसमें रॉ मटेरियल अलग होगा, कन्वर्जन कॉस्ट सेम होगा, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानना अलग अलग हमें डेटा शायद नहीं जरूरत पड़ेगी। हेंस कन्वर्जन एक्टिविटी कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोसेस ओनली। एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज आर रेडीमेड गारमेंट्स, शू मेकिंग, ज्वेलरी एक्सेट्रा। राइट, जो आईटीपी नवंबर 20 में दिया था उसमें ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है और उसके एग्जाम्पल पूछे थे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। राइट, चलिए, होप यू आर क्लियर विद दिस प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। आईसीए मॉड्यूल के थियरी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने देख लिए, अब हम आरटीपी के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन देखते हैं। आरटीपी नवंबर 20 में 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देखते हैं। एम लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एक्स विच पासिस थ्रू थ्री प्रोसेसेस 1, 2, and 3। In process 3, a byproduct arises, which after further processing at a cost of rupees 85 per unit, product Z is produced. Process 3 है, उसमें byproduct भी मिलता है और byproduct में हम further process करेंगे, 85 rupees उसमें हम अगर incur करेंगे तो वो product Z बन जाएगा। The information related to for the month of August 2020 is as follows. बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि वो जनरली मेजर हमारा इंटेंशन नहीं होता कि चलो हम उसे भी प्रोड्यूस करेंगे, बट वो मिल जाता है। राइट, इसके लिए हम इन डिटेल चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस 1, 2, and 3 की इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल लॉस है 5%, 10%, 5%। मटीरियल इंट्रोड्यूस्ड है 7,000 यूनिट्स, 1,40,000 प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का फिर 3 का बनता है। अदर मटेरियल एडेड 62,136, 84,200। इसके बारे में यूनिट्स कितने हैं वो नहीं दिए है, तो सिर्फ अमाउंट ही कंसिडर करनी होगी। डायरेक्ट वेजेस 42,54,48,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 14,16,14,000। प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द मंथ इज रुपीज 2,88,000, विच इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस दिए हैं, उनके बेसिस पर हमें ये अलोकेट करना होगा 2,88,000 को। इसे हम 42:54:48 में भी प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। The scraps are sold at rupees 10 per unit. Product Z can be sold at rupees 135 per unit with a selling cost of rupees 15 per unit. Product Z जो है वो 135 per unit से सेल कर सकते हैं, बट उसमें 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग कॉस्ट होगा। तो 85 रुपीज प्रोसेस कॉस्टिंग या कन्वर्जन कॉस्टिंग है बाय प्रोडक्ट का और 15 रुपीज सेलिंग कॉस्ट है, तो 85 प्लस 15 मतलब 100 रुपीज का उसमें हमें कॉस्ट करना पड़ता है, तो हम 135 में वो हम सेल कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस 1 के 6,600, प्रोसेस 2 के 5,200, प्रोसेस 3 के 4,800 एंड प्रोडक्ट जेड के 600 यूनिट्स। There is no stock at the beginning and end of the month. You are required to prepare accounts for process 1, 2, and 3 and byproduct processes. मतलब वैसे देखने जाए तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ byproduct का एलिमेंट है वो थोड़ा सा नया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 21 पर, ये दिया हुआ है 9th क्वेश्चन का आंसर है। प्रोसेस 1 अकाउंट सबसे पहले है, उसमें मटेरियल 7,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे 1,40,000 रुपीज, अदर मटेरियल है 62,000, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 200% ऑफ 42,000, उस हिसाब से उन्होंने लोकेट किया। वो परसेंटेज आपको इजिली मिल जाएंगे या फिर आप वो प्रपोर्शन भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। नॉर्मल लॉस हमें बोला था 5%, तो 7,000 के 5% करेंगे तो 350 यूनिट्स होगा और 10 रुपीज पर यूनिट रियलाइज होगा, तो उतना हम क्रेडिट कर देंगे 3,500। अब हमें प्रोसेस 2 7,000 था, उसमें प्रोसेस 2 में हम ट्रांसफर करते हैं 6,600, वो दिया था, तो 7,000 में से 6,600 और 350 माइनस करेंगे तो 50 यूनिट्स बचेगा जो होगा एबनॉर्मल लॉस। अब हमें इन दोनों की अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिया। ये 3,42,000 माइनस 3,500 डिवाइड करेंगे 7,000 यूनिट्स माइनस 350 यूनिट्स, तो होगा 50.9022 पर यूनिट। उसको हमें 6,600 और 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अमाउंट हमें मिल जाएगा। फिर प्रोसेस 2, ये जो प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया ये यहाँ पर आएगा, राइट, 6,600 335,955। फिर अदर मटेरियल वेजेस
एक्सपेंस और प्रोडक्शन ओवरहेड यहां पर हमें दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस हमें बोला था 10%, तो ये 6600 का 10% दैट इज 660 यूनिट्स और उसमें रियलाइज होगा 6600 ₹10 पर यूनिट। और हमें प्रोसेस टू थ्री में ट्रांसफर करते रहे हैं 5200 यूनिट्स, राइट। तो इसमें भी 6600 में से 660 और 5200 माइनस करेंगे तो 740 जो अब नॉर्मल लॉस होगा। इन दोनों की अमाउंट हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया उसी तरीके से आएगी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर प्रोसेस थ्री अकाउंट जिसमें प्रोसेस टू में से जो ट्रांसफर किया, यहाँ पर प्रोसेस वन नहीं टू आएगा, यहाँ पर है 5200 563 206 मटीरियल वेजेस एक्सपेंस ओवरहेड्स, राइट। फिर नॉर्मल लॉस बोला है 5%, तो 5200 का 5% दैट इज 260 और ₹10 पर यूनिट रियलाइज होंगे तो 2600। फिर हमारा प्रोडक्ट एक्स जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कितने यूनिट्स बोले थे 4800 और बाय प्रोडक्ट हमें बोला था 600। तो 5200 में से ये तीनों ही अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 460 इस साइड मिलेगा जो हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल गेन। अब हमें जो प्रोडक्ट जेड है राइट, उसमें हमें कितना रियलाइज हो रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा, वो हमें यहाँ पर रिड्यूस करना होगा क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि रियलाइजेबल वैल्यू है वो 135 माइनस 85 प्लस 15, राइट, जो दोनों ही कॉस्ट है कन्वर्जन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। तो हमारा नेट रियलाइज होगा ₹35, तो वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 600 × 35 25 1000 हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है फॉर द फिनिश्ड स्टॉक और एबनॉर्मल गेन वो किस तरह से होगा, टोटल जो कॉस्ट है राइट ये सर 805406 माइनस जो नॉर्मल लॉस में से रिकवरी हुई 2600 में से जो रिकवरी हुई वो भी माइनस करेंगे और ये जो 21000 है वो भी माइनस करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अब तक हमने क्वेश्चन में नहीं देखा हुआ है राइट, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 21000 को भी हम माइनस करेंगे और यहाँ पर 5200 यूनिट्स में से 260 तो माइनस करेंगे बट यहाँ पर जो 600 बाय प्रोडक्ट है वो भी यूनिट्स हम माइनस करेंगे तो टोटल होगा तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट होगा 180.1396 जिससे हमें एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स 460 और फिनिश्ड स्टॉक 4800 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर बाय प्रोडक्ट प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो उसमें हमने प्रोसेस अकाउंट में से कितना ट्रांसफर करेंगे, ये 600 यूनिट्स और ₹21000 यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 85 पर यूनिट है तो वो 51000 और सेलिंग कॉस्ट है 9015 पर यूनिट तो 81000 होगा जितना हमें रियलाइज होगा प्रोडक्ट जेड में से राइट, तो वही चीज यहाँ पर दी गई राइट। ये बाय प्रोडक्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अलग क्वेश्चन था, अच्छा है। चलिए अब आरटीपी मे 21 में देखते हैं। आरटीपी मे 21 में जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 है जो मैंने आपको बताया था, आप प्रीफर फिर से नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर आरटीपी नवंबर 21 वो सिमिलर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है, वो भी मैंने आपको बताया था। फिर आरटीपी मे 22 है वो सिमिलर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5, फिर से रेफर करने की जरूरत नहीं है। आरटीपी नवंबर 22 उसका क्वेश्चन देखते हैं। एसएम प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स देयर प्रोडक्ट, इसमें भी 9th क्वेश्चन है। SM Private Limited manufactures their products in 3 consecutive processes. The details are as below. A, B and C 3 processes हैं. Transfer to next process. Process A का जो 60% है वो process B में transfer किया. Process B का 50% है वो process C में transfer किया. Right? इसमें से तो कुछ भी हम next process में transfer नहीं कर सकते. और transfer to warehouse for sale. Process A में से 40% है वो sell कर दिया. वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिया और प्रोसेस बी में 50% किया और प्रोसेस सी का तो पूरा ही 100%। इन ईच प्रोसेस देयर इज अ वेट लॉस ऑफ 2% एंड स्क्रैप ऑफ 8% ऑफ इनपुट ऑफ ईच प्रोसेस। वेट लॉस 2% होता है वो भी नॉर्मल लॉस हुआ और स्क्रैप 8% ऑफ इनपुट होता है वो भी नॉर्मल लॉस। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ ईच प्रोसेस इज एज बिलो। प्रोसेस ए में ₹2 पर टन, प्रोसेस बी में ₹4 per ton एंड सी में ₹6 per ton। बट यहां पर ये ध्यान रखना है ये सिर्फ ये जो 8% दिया है उसका हो सकता है वेट है वो तो वेट लॉस हो रहा है तो उसमें कभी भी रियलाइज नहीं होगा राइट। 10% टोटल नॉर्मल लॉस है बट 2% वेट लॉस की वजह से तो वो कभी रियलाइज नहीं हो सकता ना, वो आप बेच कैसे सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये 8% जो होगा उसी का रियलाइजेशन होगा, ये बात खास ध्यान में रखिएगा। Following particulars relate to April 22, A, B and C का दिया है, materials used in tons है 1260 and 140, rate per ton है 20, 15 and 10 rupees, direct wages है 4000, 3000, 2000, direct expense है 3160, 2356 and 1340.
चलिए फिर प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स ए बी एंड सी एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर टर्न एट इच प्रोसेस। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं हम। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 27 पर। प्रोसेस ए अकाउंट दिया हुआ है राइट, पर्टिकुलर टर्न्स एंड अमाउंट दी है राइट। मटेरियल 1000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किया था, 20,000 रुपीज, वेजेस 4,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 3160 राइट। मटेरियल है वो पर टर्न हमें अमाउंट दी थी। वेट लॉस होता है 2%, तो 1000 का 2% दैट इज 20 टर्न्स, उसमें से कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होगी, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। स्क्रैप है 88% था, तो 80 यूनिट्स उसकी अमाउंट होगी, रुपीज 2 पर टर्न था तो 160 रुपीज होगा। प्रोसेस बी में ट्रांसफर करते हैं 60% राइट, तो 1000 में से 100 यूनिट्स तो चले गए राइट, तो 900 के 60% दैट इज 540 राइट। और जो बाय वेयर हाउस है वो होगा 40% दैट इज 360। अब इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 27160 माइनस 160 करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1000 माइनस 20 माइनस 80 से राइट, तो 27,000 माइनस डिवाइड बाय 900 दैट इज रुपीज 30 पर टर्न, इनको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,200 और 10,800। फिर प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी में ये प्रोसेस ए का जो है वो पहले आएगा, दैट इज प्रोसेस ए का आया 540 टन और 16,200 रुपीज, और उसमें मटेरियल भी एड किया 260 टन 3900, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ। अब यहाँ पर वेट लॉस होगा वो इन दोनों का टोटल 800 का 2% है वो वेट लॉस होगा, और 8% है वो स्क्रैप होगा, स्क्रैप में से रियलाइज होगा 4 रुपीज था। फिर बाकी का है जो बचा, मतलब 800 में से 16 और 64 को माइनस करेंगे राइट, 16 और 64 को माइनस करेंगे तो 80 यूनिट से वो माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 720, उसका 50% प्रोसेस सी में जाएगा और 50% वेयर हाउस में जाएगा। उसकी अमाउंट ये 25456, उसमें से 256 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा, और उसको डिवाइड करेंगे 800 माइनस 60 माइनस 64 दैट इज 720 से डिवाइड करेंगे तो 35 पर टन, इन दोनों को 35 पर टन से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्रोसेस सी अकाउंट है, उसमें प्रोसेस बी का, यहाँ से जो प्रोसेस बी है उसका हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 360 टन्स और 12,600 रुपीस। फिर मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किया 140 टन्स, 1400 वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर है। पर्टिकुलर्स में वेट लॉस 2% बोला, स्क्रैप 8% बोला हुआ है राइट, तो ये 500 का 2 और 8% करना है, स्क्रैप में से रियलाइज भी होगा 6 रुपीस पर टन, और बाकी अब जितना भी हमें बचा है वो वेयरहाउस में ट्रांसफर किया जाएगा 17,100। यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट या फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करेंगे या वेयरहाउस में कितना ट्रांसफर करेंगे उसके यूनिट्स नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं होगा राइट। अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन भी अगर हमें दिया होता तो भी हम लिखते, या फिर फाइनल यूनिट्स हमें दिया होता तो भी हम कर सकते, बट वहां पर सिर्फ परसेंटेज है तो जितना बचा वो सारी चीजें ही कंसिडर करनी होगी। चलिए और इसका भी कॉस्ट पर टन इस तरह से कैलकुलेट किया है, काफी सिंपल। चलिए अब देखते हैं आरटीपी मे 23 का क्वेश्चन, जो सिमिलर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 है। यहाँ पर मिल्क वगैरह कंसिडर किया, बट वही चीज है कि 10 लीटर ऑफ फ्लेवर मिल्क बनाने के लिए 100 लीटर ऑफ रॉ मिल्क चाहिए, जिसमें से 45 लीटर ही मिलता है, मतलब 55% नॉर्मल लॉस हो जाएगा। आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है, वो फटाफट देख लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय एबीसी कंपनी फॉर प्रोसेस 2 of its manufacturing activity for the month of April 2023. Opening work in progress है nil. Opening work in progress कुछ नहीं है, तो FIFO weighted average हमारे कुछ काम का नहीं है। Units transferred from process 1 55,000 units at rupees 3,27,800. यहाँ पर हम process 2 में work कर रहे हैं। Process 1 में से कितना आया? 3,27,800 रुपीस का 55,000 units. Expenditure debited to process 2 कितना है? Consumables, labor and overhead, right? Amount हमें दी है। Units transferred to process 3 कितना है? 51,000 units. Closing WIP है 2,000 units. Degree of completion, consumables में 80% और labor overhead में 60%. Units scrap कितने हुए? 2,000 units. Scrapped units were sold at rupees 5 per unit. और normal loss कितना है? 4% units introduced. You are required to prepare a statement of equivalent production, determine the cost per unit, determine the value of work in progress and units transferred to process 3, right? इसमें एक दो पॉइंट अलग है, वो फटाफट हम देख लेते हैं। आ जाइए आप लोग पेज नंबर 17 पर आ जाइए। सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का दिया है, राइट?
यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितने की है प्रोसेस वन में से? 55,000 राइट। ट्रांसफर और कंप्लीट कितने हो गए? 51,000 यूनिट्स ट्रांसफर कंप्लीट हो गए, 100% हो जाएगा कंज्यूमेबल। मटेरियल ए जो प्रोसेस वन में से ट्रांसफर हुआ, कंज्यूमेबल्स और लेबर ओवरहेड्स तीनों में। यहाँ पर तीन चीजें आएंगी, जो पहले सिर्फ मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स दो ही पोर्शन रहता था, यहाँ पर मटेरियल मतलब कि जो प्रोसेस वन में से ट्रांसफर किए, कंज्यूमेबल्स और लेबर ओवरहेड्स तीनों का ही कंसिडर करना है। नॉर्मल लॉस है वो 4% हमें बोला था, तो 55,000 का 4% दैट इज 2,200 हो जाएगा, बट इसमें जीरो यहाँ पर कुछ भी कंसिडर नहीं करा, वो गुड यूनिट्स को बेयर करना रहेगा। फिर क्लोजिंग WAP बोला था 2000 यूनिट्स, तो 100% वो मटेरियल वाइज, 80% कंज्यूमेबल्स वाइज और 80% लेबर ओवरहेड्स, सॉरी 60% लेबर ओवरहेड्स वाइज था वो किया। अब यहाँ पर हुआ 55,000, इन तीनों का टोटल करेंगे 51,000 प्लस 2200 प्लस 2000 अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 55,000 से वो बढ़ जाएगा 55,200 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन। आज तक के क्वेश्चन में इक्विवेलेंट यूनिट्स के में देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी एबनॉर्मल गेन नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन है वो भी 100% कंप्लीशन कंसिडर किया जाएगा राइट। 100 × 200 है तो 200 माइनस करना होगा, तो 50 × 400 50 × 800 और 50,000। डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमेबल्स है, वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन उसकी अमाउंट है 327,800। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो रियलाइज हो रहा है 2200 है, उसमें से जितना रियलाइज होगा ₹5 पर यूनिट तो 11,000 वो हम माइनस करेंगे, तो 316,800 होगा। और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 52,800। तो 316,800 को 52,800 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ₹6 पर यूनिट। फिर कंज्यूमेबल्स है 157,200 रुपीज है, उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पर है 52,400, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 3 रुपीज। लेबर और ओवरहेड का भी वैसे दिया है एक्सपेंस, और उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स है 52,000 तो ₹2 and 1, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 12 रुपीज। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP है, उसमें मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस वन वो 100% कंप्लीट के हिसाब से देखना है, कंज्यूमेबल 80% कंप्लीशन के और लेबर ओवरहेड 60% के हिसाब से, उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 20,400। और जो वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री है वो 51,000 है, टोटल 12 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे 612,000 राइट। तो ये RTP नवंबर 2023 का क्वेश्चन था। ये सारे RTP के क्वेश्चन और ICAI मॉड्यूल में से हमने थियरी, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।